ट्रेन टिकट तो पुल बैक एक मैंने सिखाया था। एक्चुअली लोग मैक्सिमम लोग पहले गलती तो ये करते हैं, जैसे एक ब्रेकआउट हुआ मैं वो कवर करके उसके बाद आता हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, ठीक है। जैसे कोई स्टॉक बहुत दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है और ब्रेकआउट दिया, और मैक्सिमम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं। अगर कोई बोल सकते ब्रेकआउट क्यों दिया, हाई डिमांड की वजह से। यस, देखो अभी क्या होता है, मार्केट किसी ने बाई कर रहे और सेल कर रहे उसके वजह से मार्केट चलता है, ठीक है। इस जगह से बैक किया मतलब मैक्सिमम लोग ये सोच रहे हैं जब इसका वैल्यूएशन इसके ऊपर नहीं है तो इस जगह से सेल कर रहे हैं। फिर से मैक्सिमम लोग इधर सोच रहे हैं जो इस जगह में बहुत चीप में मिल रहा है तो वो फिर से बाय कर रहे हैं। अब फिर से मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं तो एक्चुअली क्या है, इसके ऊपर जा नहीं पा रहे क्योंकि मैक्सिमम पीपल आर थिंकिंग दैट इट्स वैल्यूएशन नॉट मोर देन दिस। लेकिन इस जगह पे इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट कब देते हैं, जब मैक्सिमम पीपल आर थिंकिंग दैट दिस कंपनी इज वर्थ इज मोर देन दिस लेवल, तो उसलिए जो लोग कन्विंस है वो लोग खरीदते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है। और वो मतलब उन लोग अगर देखो वो क्या होता है, आपका और मेरा बाइंग से नहीं होता है, वो स्मार्ट मनी होता है और उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन लेता रहता है और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल पता रहता है ईच एंड एवरीथिंग। तो और वो लोग कभी छोटा मोटा मूव के लिए एंट्री नहीं करते तो उसलिए ही ब्रेकआउट होता है। लेकिन मार्केट क्या होता है, बहुत खराब जगह है। मतलब क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर आर मेनी ऑपरेटर्स, देयर आर मेनी पीपल दोज हु वांट टू अर्न बट दे विल ट्रैप ऑलवेज। बिकॉज मार्केट में क्या होता है, कोई लूज नहीं करेगा तो कोई कमा नहीं सकता है क्योंकि मार्केट जीरो सम गेम है। आपको कोई स्टॉक बेचना है तो सामने खरीदने वाला चाहिए। तो बहुत टाइम ऐसा क्या होता है जब फेक ब्रेकआउट देता है और हम लोग उसमें एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। एंट्री करके क्या होता है, उसके बाद फिर से वो प्राइस नीचे चला जाता है। अभी फेक ब्रेकआउट क्यों होता है, फेक ब्रेकआउट से तो कोई स्टॉक एकदम भंगार स्टॉक है, वो ऐसा ऐसा मतलब चल रहा है बहुत सालों से। अभी कोई आदमी सोचो इस जगह पे खरीद के, या तो इस जगह पे खरीद के फंस गया है, या तो इस जगह पे खरीद के फंस गया बहुत बड़ा आदमी जिसके पास बहुत बड़ा फंड है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई ऑपरेटर पकड़ लेते हैं तो उसको, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा फंड है, तो वो लोग क्या कराते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट खरीद के फॉल्स ब्रेकआउट कराते हैं तो प्राइस थोड़ा ऊपर होता है। और ब्रेकआउट देख के बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़ा बड़ा फंड भी मतलब एंट्री कर जाता है, तो उस टाइम वो लोग मतलब उसको क्या कहते हैं, वो डैम्प कर देते हैं अपना। तो तब क्या होता है, प्राइस नीचे आ जाता है। और जब डंप करना हो जाता है ना, तब ये सपोर्ट में भी वो रोकता नहीं है, उसलिए हमेशा जो फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है। जो अगर ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आता है, जनरली इधर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके और भी नीचे जाने वाला ही है वो। तो ब्रेकआउट पे हम लोगों को तो कुछ भी पता नहीं है ये ब्रेकआउट फॉल्स है या ट्रू है या तो क्या है। तो पहले बात है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा ब्रेकआउट मतलब ट्रू है या फॉल्स है। जो मैंने देख लेना, जो लोग मेरा पुलबैक का क्लास अटेंड नहीं किया था देख लेना, उस जगह पे मैंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था। इस जगह पे थोड़ा सा इधर टच करूंगा, उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाता हूँ, कैसे साइकोलॉजी को कंट्रोल करना पड़ेगा, कैसे आप लोग कमा सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी क्या होता है, इस जगह पे ब्रेकआउट दिया तो कोई मेरे को बता सकता है कितना परसेंट चांस है इधर ऊपर जाने का ब्रेकआउट दिया तो, एनीवन? 50%। एक्चुअली जो लोग मेरा क्लास किया उन लोगों को पता है, मेरा बहुत सारे स्टूडेंट है इधर ऑलरेडी, तो 50% चांस रहते हैं। इससे ज्यादा तो चांस नहीं होगा ना, पॉसिबल है इससे ज्यादा चांस? सर बुल मार्केट है तो पॉसिबल है क्या? बुल मार्केट में ब्रेकआउट फेल नहीं होता है? हो सकता है। एक्चुअली बुल मार्केट में ट्रैपिंग सबसे ज्यादा होता है।
क्योंकि बुल मार्केट में लोगों के पास पेशेंस नहीं रहता है, कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 50% ही नीचे चला आ रहा है, लेकिन चांस कितना, प्रोबेबिलिटी कितना है ऊपर जाने का, कोई भी ब्रेकआउट में दो चीज होता है, या तो ऊपर जाएगा या तो फॉल्स ब्रेकआउट होगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है ना वो फॉल्स ब्रेकआउट है या ट्रू ब्रेकआउट है। Breakout is supported with volume, then the chances could be 70 to 75%, I believe. मैंने देखा नहीं, वो वॉल्यूम तो सारे ब्रेकआउट में वॉल्यूम आता है, कोई ब्रेकआउट ऐसा होता ही नहीं जो वॉल्यूम नहीं आता, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आएगा तो ब्रेकआउट दे ही नहीं सकता है। मेरे एक्चुअली जो फंड्स ओरिजिन मतलब रियल बाइंग जब आता है, पहले बात तो देखो कोई भी ब्रेकआउट है आपका चांस 50-50% है, वो ऊपर भी जा सकता है, आपके लिए कितना, चलो मैं मान लिया 70-80% भी है वॉल्यूम के साथ, लेकिन आपके लिए चांस कितना है, फिफ्टी परसेंट ही है ना? Yes, sir. या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। देखो तो कोई ब्रेकआउट के पहले कंसल्टेशन करता है तो अच्छा रहता है ना, ऐसा आपने बताया था शायद। अभी ब्रेकआउट देते हैं लेकिन उस जगह पे भी मेरे को कॉन्फर्मेशन तो नहीं है ना ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। हाँ बराबर है। मार्केट में ऐसा कोई आपने देखा आज तक जो एकदम कंफर्मेशन के साथ दे सकता है जे, मतलब ऐसा चलेगा ही चलेगा 100%? नहीं नहीं, नहीं। तो उसलिए इतना चीज आता है, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो मैंने मेरा जैसे क्लास में क्या होता है 5-6 टिकलिस्ट देता हूँ, एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री करना है एग्जिट करना है, देखो वो सब मेरे को सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो करने का कवर करने जाऊंगा पूरा, अभी पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन जस्ट कैसे सोचना चाहिए। देखो अभी कोई भी फंड अगर बाइंग कर रहे हैं ठीक है, वो कभी सोचो कोई फंड 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि स्मार्ट मनी बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, वो सोचो कोई एक स्टॉक 200 रुपीज वाला स्टॉक है, उसमें कभी एक बार में वो एंट्री करेगा? What do you think? No, they will do it in tranches if they start putting money. पता है ये अगर 200 रुपीज है, उनको एवरेज कभी 200 नहीं होगा, उन्होंने अगर इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने एंट्री करने जाएगा तो उसका एवरेज समवेयर अराउंड 215-220 होगा, ऑब्वियसली 10% ज्यादा ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट में पुट करेगा तो उनका एवरेज तो ऊपर ही होगा। म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो वो लोग अगर इतना बड़ा अमाउंट एक बार में, चलो वो लोग कंफर्टेबल है, वो लोग मेंटली प्रिपेयर रहता है कि 10-15% उनको ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा देगा वो? क्योंकि सोचो उन्होंने 100% पोटेंशियल के लिए, लेकिन उन्होंने खरीदने के टाइम ही सारे मनी एक बार में वो डाल देगा ना, प्राइस कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, उनका एवरेज जाके 300 के आसपास 350 के आसपास जाके बैठेगा, वो तो कभी नहीं चाहेगा ना उनका एवरेज उतना ऊपर हो जाए, नहीं चाहेगा ना। तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा जब रियल बाइंग होता है ना, वो लोग इसको 3-4 पार्ट में बांट लेते हैं, और वो लोग बाइंग जनरली इधर से चालू करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट जो इधर से लिया इस जगह तक पहुंचा, उनका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या है, आदमी का देने का भी लिमिट है, क्योंकि उसको मार्केट में मिलना भी चाहिए कोई बेचने वाला, इधर तक आदमी को मालूम पड़ गया होता है कोई खरीद तो रहा है एग्रेसिवली, तो उसके बाद ब्रेक उसको मिलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपको सोचो कोई स्टॉक खरीदना है, आपको कम पैसे में नहीं मिल रहा है, आप क्या करोगे, हायर प्राइस में लेने का कोशिश करोगे, तो ये वो ही करेगा, और एक पार्ट लगा देगा तो थोड़ा सा जितना प्राइस में उसको मिले, तो उसमें क्या होगा, ब्रेकआउट दे देगा और स्टॉक प्राइस 10-20% 25% शूट आउट कर जाता है, या तो कभी कभी 30% तक भी शूट आउट कर जाता है,
और इस जगह में जब ब्रेकआउट देते हैं ना वो सारे ट्रेडर्स लोग एंट्री कर जाते हैं, लेकिन वो लोग जब 30-35% सूट आउट कर गया और एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उसका एवरेज तब नहीं बैठेगा, तो वो लोग क्या करेगा फिर से अभी उस जगह पे तो एंट्री नहीं कर रहे, अभी फिर से जो ट्रेडर्स लोग इस जगह पे ब्रेकआउट देख के एंट्री किया था वो क्या करेगा प्रॉफिट बुक करेगा, प्राइस नीचे आएगा धीरे धीरे। अभी ये अगर रियल फंड है, देखो इधर ही डिफरेंस हो जाता है, ये अगर कोई फेक ऑपरेटर है या तो कुछ है वो क्या करेगा उसके वो तो इधर से कंटिन्यूअस डैम करना चालू कर देगा, कंटिन्यूअस डैम करेगा और प्राइस धीरे 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 नीचे आएगा, इस जगह पे जब आएगा तब खरीदने के लिए कोई नहीं रहेगा और प्राइस और भी नीचे जाते रहेगा। लेकिन वो अगर रियल फंड है ना उसके पास और एक पार्ट पड़ा है, वो क्या करेगा फिर से उसका जो बाइंग लेवल है उस जगह को सेव कर लेगा, क्योंकि उसको देखो उसको जो प्राइस पे उसका टारगेट है उससे नीचे उसको मिल रहा है तो उसको सेव करेगा, फिर से प्राइस ऊपर जाएगा। अभी थर्ड टाइम क्या करेगा जितना बचा कुछ अमाउंट है वो क्या करेगा इस जगह पे भी जितना चलो अभी तो वो देखते हैं मेरा सफिशियंट 75% 80% क्वांटिटी मेरे को मिल गया, बाकी जो है मार्केट में उठा लेता, तब क्या है इस जगह पे एक सेकेंड ब्रेकआउट देगा। तो देखो क्या होता है फर्स्ट सिग्नल कहाँ पे ब्रेकआउट सही है, यानी हमेशा इस जगह पे जैसे पुल बैक देगा, इस जगह पे पुल बैक देगा तब एक कंफर्मेशन होता है इस जगह को फिर से सेव कर लिया उसने, क्योंकि इस जगह पे आ रहा है तो सेव कर रहा है वो पुल बैक। और दूसरा क्या है वो बहुत ज्यादा बुलिश होगा तब भी तो वो सेकेंड ब्रेकआउट देगा ना, क्योंकि वो बचा कुछ अमाउंट एग्रेसिवली खरीद लिया, क्योंकि पहले बार इस जगह इसके ऊपर वो खरीदने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दूसरे बार फिर से खरीद रहा है कोई और अच्छा बाइंग आ रहा है तो सेकेंड ब्रेकआउट। तो क्या होता है जैसे कोई स्टॉक में देखो ब्रेकआउट पे तो मेरा चांस है 50-50%, लेकिन जैसे वो स्टॉक पुल बैक मेरा दे देते और भी 20% चांस उसमें ऐड हो जाता है, तो मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाता है 70%। मैं देखना उसलिए कोई भी स्टॉक हमेशा पुल बैक या तो सेकेंड ब्रेकआउट पे ही देता हूँ या तो मैं खुद लेता हूँ, उसके पहले कभी नहीं लेता हूँ। मेरे को भले ही उसके लिए कुछ 5-10% ज्यादा देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मैं कंफर्मेशन के बाद ही लेता हूँ उसलिए, ठीक है। और दूसरा सेकेंड ब्रेकआउट के बाद और भी 10-15% प्रोबेबिलिटी ऐड होता है। ये क्या है देखो ब्रेकआउट के बाद तो प्राइस भागता है लेकिन ब्रेकआउट फेल भी होता है, लेकिन कौन कैसे हम लोगों को पता चलेगा ये ब्रेकआउट फेक है, यानी whether this breakout is going to sustain or not, that is the main thing. So उसके लिए वो कोई नहीं बता सकते, भगवान भी नहीं बता सकते। अगर कोई ऑपरेटर प्ले कर रहा है आपको घर पे आके नहीं बताएगा जे मैं ऑपरेटर प्ले है इधर, वो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोसेस होता है, चेकलिस्ट होता है, सारे चेकलिस्ट अगर फुलफिल होता है तो आपको कन्फर्मेशन इसलिए मार्केट में चाहिए। देखो इस जगह पे अगर ये जो सेकेंड ब्रेकआउट भी दे दिया तब मैंने लिटिल बिट कन्फर्म हो जाता हूँ, 85% कंफर्म हो जाता हूँ हाँ मेरा ये ब्रेकआउट सस्टेन करने वाला है, क्योंकि ये कम से कम इस जगह का नीचे जाएगा नहीं, तब मैंने जाके उसमें मेरा एंट्री करने का टाइम 85% कंफर्मेशन रहेगा। मैं कभी कभी क्या करता हूँ अभी देखो 75% इस जगह पे पुल बैक पे भी ले लेता हूँ मेरा, क्योंकि 70% कंफर्मेशन तो रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है ऊपर जाने का, लेकिन कभी मैं ब्रेकआउट पे नहीं लेता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट पे मेरे को उसके ऊपर देखो हर चीज होता है कॉन्विक्शन का, मेरे को कॉन्विक्शन नहीं आता है, मैं इतना दिन से मार्केट में हूँ तब भी मैं कमा भी रहा हूँ तब भी मेरे को कॉन्विक्शन नहीं आता है ब्रेकआउट पे, लेकिन पुल बैक दे देगा तो मेरे को 70% कॉन्विक्शन आ जाता है और सेकेंड ब्रेकआउट देता है तो 85% कॉन्विक्शन आ जाता है। तो लेकिन आदमी का क्या होता है पेशेंस नहीं रहता उतना टाइम तक, आदमी देख लेते अरे चलो इस जगह पे ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छा है चलो एंट्री कर लेते, तो ये होता है एक्चुअली आदमी का। मार्केट में क्या होता है आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहिए, जैसे आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंसली, आपको मैक्सिमम लोग जैसे कोई स्टॉक को मैंने बहुत सारे स्टॉक 3-3 महीना 4-4 महीना 6 महीना फॉलो करने के बाद मैं एंट्री कर किया बहुत सारे, तो आपको पेशेंसली इसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरा जैसे एकदम पूरा वो है या तो पुल बैक या तो सेकंड ब्रेकआउट के पहले मैं कभी नहीं लूंगा। एक्सक्यूज मी सर, ये डेली चार्ट में देखते हैं या वीकली?
वो क्या होता है, मैंने मतलब उसमें वो अगर डिस्कस करने जाएंगे ना वो बहुत लगेगा, क्योंकि मेरा जो क्लास में मैं जो चेकलिस्ट देता हूँ ना, बहुत सारे चेकलिस्ट मंथली चैट पे आता है, बहुत सारे चेकलिस्ट वीकली चैट पे आता है, बहुत सारे डेली चैट पे भी आता है, और उसके बाद रिस्क कैलकुलेशन भी आता है। सारे चेकलिस्ट अगर फुलफिल होगा उसके बाद ही एंट्री करना, वो अगर डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे अभी 4-5 घंटे लग जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ आप कोई भी मेथड यूज करो, लेकिन उसमें जैसे मैक्सिमम ट्रेडर्स का सेटअप क्या होता है, ब्रेकआउट का सेटअप होता है, लेकिन ब्रेकआउट सेटअप में 50% ही चांस रहता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आप अगर उसके वेट करोगे तो ठीक है, उसमें आपको क्या होता है 4-5 मतलब बहुत सारे स्टॉक मिस होगा, तो मिस होने दो। आप कौन सा मार्केट का जितना स्टॉक ब्रेकआउट देता है सारे स्टॉक खरीदने वाले हो आप? नहीं खरीद सकते हो ना। आप लोगों को ये कंफर्म करना पड़ेगा, आपको भले 10 स्टॉक मिस हो जाए लेकिन आप अगर एक स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो वो चलना चाहिए, और उसके लिए आपको जितना चेकलिस्ट है ईच एंड एवरीथिंग फुलफिल होना चाहिए। आप अगर एक स्टॉक में चल रहे हो एंट्री कर रहे हो, लोग क्या करते हैं वो जो एक स्टॉक में एंट्री करते हैं ना, क्योंकि हमारा कैपेबिलिटी नहीं है उससे ऊपर, क्योंकि आदमी का भी पैसा लिमिटेड होता है ना, तो आदमी अभी क्या करते हैं एक स्टॉक में तो एंट्री कर लेते हैं और बाकी जो 9 स्टॉक है ना उसको देखते रहते हैं, देख के फ्रस्ट्रेटेड में रहता है, अरे वो मिस हो गया, वो मिस हो गया, वो मिस हो गया। अभी उसके बाद क्या होता है, जो एक स्टॉक में एंट्री किया उसके बाद वो शायद एक 1 वीक कंसोलिडेट किया ना, उसको लगेगा अरे ये तो मेरा देखो क्या भंगा स्टॉक में मैं एंट्री कर लिया, और मैं जो जो जिसमें जिसमें एंट्री नहीं किया वो सब चल रहा है, वो क्या करेगा स्टॉक तब सोचो दूसरा स्टॉक ऐसा चल रहा है तब, लेकिन वो जो स्टॉक में एंट्री किया वो ऐसा चल रहा है। अभी कोई भी स्टॉक अभी क्या करेगा, वो 1 वीक 10 दिन 15 दिन बाद पेशेंस लूज करेगा और इस स्टॉक में इस जगह पे जाके एंट्री करेगा। अभी वो स्टॉक क्या होगा, उस जगह से थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन में आएगा, और जब ये इस जगह पे आएगा तो आदमी पैनिक करके सेल करके निकल जाएगा, और अल्टीमेटली वो जब निकल के इस स्टॉक में इस जगह पे एंट्री किया वो स्टॉक चलने लगा, ऐसा चल गया, ऐसा होता है। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, क्योंकि आपको कॉन्विक्शन नहीं है। मेबी मेरे को भी ऐसा टेंशन होता है, मैं अगर इस जगह पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेता हूँ एकदम कंफर्म मेरे को टेंशन होता है, क्योंकि मेरा पास कॉन्विक्शन नहीं रहता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अगर कोई स्टॉक में एंट्री कर रहे हो उसमें फुल कॉन्विक्शन होना चाहिए, और कॉन्विक्शन के तब आप होल्ड कर सकोगे उसको। और दूसरी बात ये हमेशा एक चीज मतलब दिमाग में रखना, ये आप मार्केट का सारे स्टॉक नहीं ले सकते हो, आपको बहुत सारे स्टॉक हमेशा मिस होगा। अभी बुल मार्केट में मैं किसी से भी बात करता हूँ ना, मेरे को कोई भी आदमी यही बताता है अरे वो स्टॉक मेरे को अभी कुछ दिन पहले 40 रुपया में था, अभी 100 रुपया में मिल चला गया, मेरा मिस हो गया। अरे भाई कौन सा, आप सारे ऐसा तो 10 स्टॉक में तो उसको 100 स्टॉक ऐसा दिखा सकता हूँ ना जो मैंने, क्योंकि और मेरे लिए कंडीशन सोचो, क्योंकि मेरा क्लाइंट है, मेरा स्टूडेंट है, सबको मेरे को सपोर्ट देना पड़ता है, हर रोज मेरे को रिसर्च करके कुछ ना कुछ स्टॉक मतलब मैं चेक करता हूँ, तो मेरे को कितना स्टॉक मिस होता हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है जितना स्टॉक मैं निकाल रहा हूँ या तो दे रहा हूँ या तो यूट्यूब में दे रहा हूँ सारे स्टॉक में मैं एंट्री कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है कभी? आपको क्या लगता है पॉसिबल है? नहीं है ना। तो मेरे को आप लोग जवाब थोड़ा दे, रेस्पॉन्स थोड़ा करते रहो तो मेरे को अच्छा लगेगा। मेरे को लगेगा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आपके हिसाब से आइडियली कितने स्टॉक होने चाहिए पोर्टफोलियो में? ये बात कर रहा हूँ कॉन्विक्शन, लोगों को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, मैं इसके बाद ही आऊंगा। फर्स्ट ये प्रॉब्लम होता है ना सबको जी सर। Sir, I want to know whether this pattern works for weekly chart or daily chart. मैं वही बोला ना, वो discuss करने जाऊंगा तो बहुत, ये कोई भी pattern में आप अगर 5 minute 10 minute में भी देखो, आप जैसे मैं Nifty का देखना वो Telegram group में 1 hours का देते रहता हूँ, उसमें भी काम करता है। मैं क्यों इस दिन जैसे बोला breakout sustain, जैसे मैंने दे रहा था एक 10 line के अंदर चल रहा था Nifty, जैसे hourly chart पे। हाँ, तो आवाली चार्ट को जैसे ब्रेक किया, मेरे को पता है ये अगर ब्रेक करेगा जैसे जैसे चल रहा था निफ्टी, हाँ तो देखना उस दिन जिस दिन करेक्शन हो रहा था 500 पे, मैं इस जगह पे बोला था हाँ मार्केट बैक कर सकता है। क्यों किया था, मैं तो वाल आवर चार्ट में देख रहा था,
लेकिन मैंने 15 मिनट में चला गया था तो देखा उस जगह पे ये जो चैनल है उसके अंदर एक थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसे दिया, तो मैंने बोला हाँ चलो इस जगह पे एक सेकंड ब्रेकआउट जैसे सपोर्ट लेके सेकंड ब्रेकआउट जैसे दिया तो ऊपर आएगा, तो ऊपर आया। अभी इस जगह पे जब ब्रेकआउट दिया निफ्टी, तब मैंने बोला थोड़ा देखो जो सस्टेन कर रहे हैं यानी, तो वो अगर सस्टेन करके इस जगह पे एक सेकंड ब्रेकआउट देता था तो ऑब्वियसली मैं इस जगह पे फ्यूचर या तो कुछ लेता था। तो लेकिन देखो उसमें क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में नीचे आ गया, सस्टेन किया नहीं ब्रेकआउट को। तो हमेशा कोई भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, मेरा देखो चेकलिस्ट अगर मैं इधर शेयर करने जाऊंगा मेरा पूरा दिन लग जाएगा इसमें, तो पूरा दिन ना आप लोगों के पास है ना मेरा पास है, ठीक है। तो पूरा दिन मैंने अभी मतलब वो चेकलिस्ट ईच एंड एवरी स्टेज, उसके बाद भी आप समझोगे नहीं प्रैक्टिस कराना पड़ेगा जो मेरा क्लास में मैं कराता हूँ जनरली। तो अभी देखो जो ये आप सोच रहे हो मेरा क्लास का एड के लिए, ये नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, ठीक है जी, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं सर एक स्टॉक बोलो मेरे को कमाना है। अरे उतना आसान नहीं है सर, उसको मैं कोई स्टॉक सोचो दे रहा हूँ, मेरा स्टॉक देखना जो एक साल पुराना है, इतने सारे स्टॉक 5 times, even 7 times, Lurus Lab 7 times दिया, बहुत सारे बोईवा ग्लोबल 5-6 times दिया, अपेलो हॉस्पिटल 3 times हो गया, आपको इवन परमानेंट मैग्नेट किसी को पता नहीं था उस स्टॉक के बारे में, वो स्टॉक कितना 3-4 गुना हो गया, और किसको जैसे मैंने कुछ पेनी स्टॉक दिया था आपको, जैसे उसको क्या नाम है गुलशन पली, वो भी 5 times हो गया, आपको प्री कैम्प और भी ऐसा लिस्ट बनाने जाएंगे ना बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सब स्टॉक जो आपको मैं बता देता था उस टाइम, अगर बताता चलो यूट्यूब पे तो मैं दिया, मतलब मेरे को अच्छा लगा तब भी दिया ना, कौन खराब स्टॉक देना चाहेगा, या तो आपको मैं पर्सनली भी बता देता था चलो गुलशन पली ले लो, आप लेके होल्ड करता था इतना दिन। मैं किसी को भी कोई स्टॉक बोलता हूँ ना, वो क्या है क्या करेगा, जैसे स्टॉक थोड़ा सा ऐसा जाके 30% रिटर्न दिया, ठीक है, अभी कोई स्टॉक ऐसा तो चलता नहीं एक बार में 200% रिटर्न दे देगा, 30% रिटर्न देने के बाद 10% वो करेक्ट होगा। तो सोचो उसने 1 lakh rupees लगा दिया, ठीक है, तो 1 lakh rupees लगा दिया इस जगह पे, उसको 30,000 प्रॉफिट दिख रहा है, जब ये नीचे आके इस जगह पे दस 15,000 मतलब लॉस दिखाएगा, तब वो क्या करेगा, वो देखेगा वो सोचते रह जाएगा, मेरा भी प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं पूछ रहा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उसको ओवरकम करता हूँ कॉन्विक्शन से, हाँ मेरा कॉन्विक्शन है इसमें। तो इसमें क्या है देखिए, जैसे 10,000 वो देखेगा अरे मेरा 30,000 प्रॉफिट हो रहा था अभी 20,000 हो रहा है, वो जब इस जगह पे उसको 17-18,000 प्रॉफिट दिखेगा ना तब वो रह नहीं पाएगा और उसके बाद ऐसा चलेगा, फिर से ऐसा नीचे आएगा, फिर से उस लोग निकल जाएगा, कभी वो 4-5 times तक रह ही नहीं सकता है, मैं उसको कितने भी लिख के दू कुछ भी करू नहीं रह सकता है, यही मार्केट है, मैं भी नहीं रह सकता सही में, मेरा भी प्रॉब्लम होता है। मैं उस लिए क्या करता हूँ, मेरे को पहले तो बात है एकदम जब मैं फुल कॉन्विंस होता हूँ तब भी मैं एंट्री करता हूँ, क्योंकि मैं जनरली उस लिए मैं पुल बैक या तो सेकेंड ब्रेकआउट पे एंट्री करता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं कोई भी कुछ भी बोले मेरे को ये ले लो नहीं तो तुम्हारा, देखो कोई एक स्टॉक में मेरा मिस हो गया तो वो जिंदगी मेरा बर्बाद नहीं होने वाला है, मेरे को पता है मैं दूसरे स्टॉक से कमा सकता हूँ, मेरा एक स्टॉक मिस हो जाएगा तो मैं उसलिए कभी रिग्रेट नहीं करता हूँ, और रिग्रेट से जब आप लोग नहीं निकल सकते हो तो मार्केट में ही नहीं रहना चाहिए आप लोग, अगर जब तक वो डिस्कस करते रहोगे ये स्टॉक मिस हो जाएगा तब से मार्केट से तब तक आप कमा नहीं सकते मार्केट से, तो इसलिए कभी रिग्रेट मत करो। आप जो एक स्टॉक में अगर एंट्री कर रहे हो ना उसमें इस लेवल का एनालिसिस करो, वो एक ही स्टॉक आपको पैसा दे, उसमें फुल कॉन्विक्शन होना चाहिए, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो वो तो मार्केट हिलता है तो होता ही है। तो मैं उसलिए क्या करता हूँ, भला ही मेरा स्टॉक 5-10 times रिटर्न दे रहा है मैं भी उतना तक तो राइड नहीं कर पाता हूँ, मैं क्या करता हूँ कोई स्टॉक में सेकेंड ब्रेकआउट या तो पुल बैक में एंट्री लिया, ठीक है, उसके बाद वो चल रहा है, जैसे रिसेंटली मैं बहुत सारे स्टॉक में ऐसे ही किया, जैसे ये चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को ऑब्वियसली ये ऐसा कभी नहीं चलेगा, इस जगह से इस जगह तक सोचो मेरा 70-80% रिटर्न आ गया, देखा कोई भी स्टॉक जनरली क्या होता है एक बार 30-40% रिटर्न आता है उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन करते हैं,
उसके बाद थोड़ा सा चलता है तो 70-80% रिटर्न दे देते हैं, उस स्टॉक में ऐसा ही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले बात तो जो 30-40% रिटर्न आया उस जगह पे मैंने नहीं एग्जिट करता हूँ, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन करके जैसे 70-80% या तो 90% 100% भी होता है बहुत सारे में, जैसे उसमें क्या होता है तो उस जगह पे जैसे मेरे को थोड़ा सा वीकनेस दिखता है, ऑब्वियसली वो वन स्टॉक में 200% नहीं दे देगा, तो उस जगह पे जैसे वीकनेस दिखता है मैं क्या करता हूँ, मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो मैंने एग्जिट कर जाता हूँ, ठीक है, और एग्जिट करके जो मेरा प्रॉफिट अमाउंट है वो मैंने छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर कॉन्विक्शन है। और उसको मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूअसली प्राइस जो ऊपर जाता है उसमें ऐसा ट्रेलिंग करता हूँ। ट्रेलिंग कैसे करता हूँ, देखो कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है उसमें क्या करते हैं, वो हायर हाई हायर लो देके ऊपर जाएगा, जब लास्ट लो को ब्रेक करेगा, ये वीकली चार्ट पे मैं फॉलो करता हूँ, जब वीकली चार्ट पे लास्ट लो को ब्रेक करेगा तब इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद फिर से लोअर लो लोअर हाई देते रहते हैं। तो मैंने इस जगह पे लास्ट लो को कभी भी ब्रेक करेगा, मैं सोचो मेरा मैं इस जगह पे एंट्री किया, ठीक है, तो इस जगह नहीं मैं तो पुल बैक पे करता हूँ, तो पुल बैक पे एंट्री किया या तो सेकंड ब्रेकआउट पे, तो मैं क्या करूंगा इस जगह पे सोचो मेरा 70-80% रिटर्न आ गया, मैं एग्जिट कर जाऊंगा और बाकी जो अमाउंट है मैंने ऐसा ट्रेलिंग करते रहूंगा, जैसे ऐसा जैसे इस हाई को क्रॉस किया स्विंग हाई को, इस जगह मेरा स्टॉप लॉस हो गया, फिर से ऊपर गया नीचे आया फिर से इस हाई को क्रॉस किया मेरा इस जगह पे स्टॉप लॉस हो गया, तो ऐसा करके मैंने फॉलो करता हूँ, ये मेरा सिस्टम है। पहले तो एंट्री करने के टाइम मेरा बहुत सारे सिस्टम है, चेकलिस्ट है, वो फुलफिल हुआ तो तब भी मैंने एंट्री करता हूँ, उसके बाद मेरा 70-80% रिटर्न होता है तो उसमें मैंने एग्जिट कर जाता हूँ, या तो 100% भी लेता हूँ बहुत सारे में, तो उसमें मैंने एग्जिट कर जाता हूँ, उसको मैंने ऐसा ट्रेलिंग करते रहता हूँ जब तक वो अप ट्रेंड में है। और मार्केट में कोई भी स्टॉक का अप ट्रेंड चालू होता है ना वो, और आप अगर वीकली चार्ट पे फॉलो कर रहे हो तो उतना आसानी से वो अप ट्रेंड खत्म नहीं होता है, जैसे लूरा स्लैब का अप ट्रेंड अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो एक साल के तो ऊपर हो गया, डेढ़ साल हो गया तो तब भी चल रहा है, तो अभी है मेरे पास फ्री शेयर तो पड़ा है उसका, तो ऐसा होता है मार्केट में, ठीक है। चलो अभी क्या होता है, तब भी आपको कन्विक्शन तब भी नहीं रहेगा, आप अगर एक स्टॉक में एंट्री करोगे ना, एक या दो स्टॉक में, आप रात में सो नहीं पाओगे, आपको तो उठ उठ के डाउ देखना पड़ेगा या तो डेक्स देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं, या तो जैसे कोई कमोडिटी स्टॉक खरीदा, सोचो कॉपर या तो जिंक का कोई स्टॉक खरीदा तो उसको यूएस मार्केट में कॉपर या तो जिंक का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है वो सब देखते रह जाओगे, तो उतना नहीं करना। तो अभी मैं वो पॉइंट में आता हूँ, पहले तो बात है आपको स्टॉक में अगर एंट्री कर रहे हो तो आपको फुल कन्विक्शन होना चाहिए, कोई कुछ भी बोले आपको खुद को जब तक कन्विक्शन नहीं आए मेरा ये सजेशन है एंट्री मत करो, ठीक है, फुल कन्विक्शन आना बहुत जरूरी है, कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हो उसमें फुल कन्विक्शन। जैसे मेरे लिए मेरे पास तो मेरे को टेक्निकल एनालिसिस बहुत दिन से आता है, लेकिन शुरू शुरू में मेरे को पैसा नहीं आता था, लेकिन मेरा एक चीज है मैं हमेशा किसी में लॉस होता है तो मैं उसको एनालिसिस करता हूँ क्यों हुआ, तो वो धीरे 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 मेरा आज भी मतलब एकदम स्टार्टिंग का डेज का ट्रेड अभी भी लिखा हुआ है मेरे पास डायरी में, मैं अभी भी वो खोल के देख सकता हूँ उस टाइम गेने में क्या मिस्टेक किया था, तो ठीक है। तो उसके लिए मेरा सिस्टम बनते गया तो सिस्टम मेरा तैयार हो गया, तो वो सिस्टम से हिसाब से मैं चलता हूँ, मेरा वो सिस्टम में जब दिखता है कॉन्विक्शन आता है। और हाँ बहुत टाइम क्या लगता है यहाँ मार्केट तो खराब है, तो लेकिन तब मेरे को क्या होता है, मेरे को तब मैं ये बोल के मेरे को कॉन्विक्शन देता हूँ कि नहीं ये सिस्टम तेरे को इतना दिन से पैसा दे रहा है, तेरा सिस्टम तेरे को कभी डुबाएगा नहीं, तेरे पास सिस्टम है जो तेरे को पैसा दे रहा है। और उसलिए मैं क्या होता है ये मेरे को कॉन्विक्शन देता है होल्ड करने के लिए, ठीक है, जो ये सिस्टम तेरे को पैसा दे रहा है एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो गया जो सिस्टम खराब हो गया जो तेरे को इतना दिन से दे रहा है पैसा आ रहा है, तो ये चीज है। तो सिस्टम के ऊपर बिलीव हमेशा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम का मेजर पार्ट है मनी मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसमें क्या करना चाहिए, जैसे कोई मेरे को बता सकते हैं आपके पास अगर आप अगर मार्केट में 5 लाख रुपीज लगाना चाहते हो तो कितना स्टॉक में, मेरा जो स्टूडेंट ऑलरेडी है तो उनको मैं बोलूंगा नहीं आंसर देने के लिए, मैं बाकियों को बोल बताऊंगा 5 लाख रुपीज है तो कितना स्टॉक में आप लगाओगे।
सर एटलीस्ट 20 10 15 से 20 स्टॉक तो होने चाहिए 10% मैक्सिमम 10 टू 15 लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है सर बेसिक लॉजिक ये है कि मनी शुड बी डाइवर्सिफाइड टू डिफरेंट कंपनीज या इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई होना चाहिए लेकिन उसके बाद भी आपको कन्विक्शन देता है वो चीज आपको लॉजिक जब तक पता नहीं होगा ना आपको कभी वो कन्विक्शन नहीं देगा मैं तो कभी डाइवर्सिफाई उसके हिसाब से करता ही नहीं हूँ मेरे को जो स्टॉक अच्छा लगता है कन्विक्शन आ जाता है मैं देखता नहीं हूँ शायद उसके लिए कोई एक सेक्टर में 50% भी होगा तो चलेगा मेरे को स्टॉक में कन्विक्शन चाहिए तो लॉजिक क्या है सर देखो आप जब तक सोचोगे नहीं ना कोई चीज कर रहे हो क्या लॉजिक है तब तक आपको कॉन्फिडेंस या तो कन्विक्शन नहीं आएगा सर समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ सर आप अगर 15-20 स्टॉक yes, sir, yes, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है आपने बहुत अच्छा आंसर दिया बहुत अच्छा दिया आंसर दिया सर कोई रॉन्ग आंसर नहीं दिया लेकिन कोई भी चीज कर रहे हो हमेशा कोई चीज आदमी तो बिना रीजन का करता नहीं लॉजिक तो रहना चाहिए ना आप कैसे बचाओगे आप अगर ऐसा बोलता है टेक्निकल एनालिसिस या तो कोई भी मार्केट में आप अगर फर्स्ट ईयर मार्केट में हो और 5 लाख रुपीज लेके आया और 5 लाख को बचा लिया आपने तो आपको आता है मार्केट से कमाना है आपको अपने आप उसके बाद से पैसा आएगा तो कौन सा चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करना इससे अगर 1 लाख कम हो जाएगा आपको कोई देने नहीं आएगा आएगा कोई देने नहीं आएगा ना सर नहीं आएगा तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है तो कैपिटल प्रोटेक्शन करने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट सब कुछ चीज पहले सीखना चाहिए बाकी कोई टेक्निक से पहले तो वो कैसे आता है देखो पहले बात है आप अगर कोई स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो उसमें कितना रिस्क है वो आपको मालूम होना चाहिए सही बोल रहा हूँ ना रिस्क कैलकुलेशन हमेशा मैं उसले मेरा जो क्लास होता है उसमें फर्स्ट सिखाता हूँ रिस्क कैलकुलेशन कैसे करना है देखो हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग अच्छा स्टॉक ढूंढ नहीं पाते हैं अच्छा स्टॉक तो सब ढूंढ लेते हैं इसे सब आदमी के साथ हुआ होगा उसने कोई स्टॉक में एंट्री किया उसने 10% 25% कमाया और उसने एग्जिट कर गया उसके बाद स्टॉक 3 times 4 times शूट अप कर गया ऐसा सारे आदमी के साथ होता है और लेकिन वो तब रिग्रेट करते रहते हैं ये स्टॉक से मैंने निकल गया और वो स्टॉक इतना शूट अप कर गया तो ये मतलब मार्केट क्या है रिग्रेट गेम है तो हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं पीपल जब मैं निकल गया और वो शूट अप कर गया क्यों ऐसा होता है क्योंकि वो इनसफिशिएंट एलोकेट करते हैं ओवर बुलिश हो जाता है मैं सबको बोलूंगा प्लीज म्यूट कर लीजिए ओवर बुलिश हो जाता है तो उसके लिए उसको प्रॉब्लम आता है ठीक है तो ओवर बुलिश कभी भी मत हो जाओ कोई स्टॉक के ऊपर और सबसे बड़ा दूसरा जो है हमेशा उस स्टॉक में एंट्री करने के टाइम उसमें रिस्क कितना है मैं जैसे कोई स्टॉक में एंट्री करता हूं तो उसका रिस्क अगर 10-12% या तो मैक्सिमम मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं तो 15% मैक्सिमम उससे ज्यादा तो कभी नहीं है 10-12% रिस्क में ही मैंने ज्यादा से ज्यादा एंट्री करता हूं उससे कम रिस्क है तो बहुत अच्छा है तो मेरे को रिस्क पता रहता है हमेशा रिस्क मेरा कितना परसेंटेज है उससे ज्यादा रिस्क है तो कितने भी अच्छा स्टॉक है मेरे को भगवान भी आके बोले तो मैं उससे ज्यादा रिस्क में कभी एंट्री नहीं करूंगा पहले तो बात है रिस्क मैंने ऐसा पता रहता है कोई भी स्टॉक में मैं एंट्री करता हूँ दूसरी बात यह है मैंने इसको मिनिमम टू मिनिमम 20 स्टॉक में मैं डिवाइड करता हूँ अभी 20 स्टॉक में क्यों उसके पीछे लॉजिक ये है
देखो आप अगर 5 लैक्स को 20 स्टॉक में डिवाइड कर रहे हो तो 5 स्टॉक में कितना आएगा? एनीवन? 25,000 25,000 रुपए से 25,000 रुपए आता है। चलो 25,000 में आपको अगर 10% रिटर्न आया, देखो ये बार ये सारे स्टॉक के ऊपर 10% ही रहेगा क्योंकि कोई स्टॉक में मैं 5% रिस्क मेंटेन कर रहा हूँ, किसी में 15% में, तो ये बार ये जाके 10% बैठेगा। तो आपको चलो आप इस स्टॉक में एंट्री किया, आपको रिस्क पता है और स्टॉप लॉस हिट किया। मैं स्टॉप लॉस हमेशा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे करता हूँ, डेली क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे क्लोज होता है तो कभी मैंने एग्जिट नहीं करता हूँ। अब फ्राइडे मेरा स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज होता है, उसके पीछे भी लॉजिक है, बहुत सारी चीज है, वो डिस्कस करने जाऊंगा तो मतलब मेरा पूरा दिन गुजर जाएगा। वो तो मैं वीकली चार्ट पे हमेशा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस देखता हूँ, ठीक है। चलो अभी मेरा कोई स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा भी बहुत सारे स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होता है, ऐसा नहीं मैं एंट्री करता हूँ तो स्टॉक में 100% ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है, मेरे को भी स्टॉप लॉस हिट होता है, लॉस लेना पड़ता है। इसमें सोचो आपने 10% रिस्क लिया और आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना परसेंट जाएगा, कितना रुपया जाएगा आपका? एनीवन? 2500। 2500 जो है आपका टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है टोटल पोर्टफोलियो का? 0.5 1% कैसे होगा सर? 5 लाख से 1% कितना होता है? आधा परसेंट 0.5%। तो देखो आप अगर 20 स्टॉक में लो रहे हो तो आपको सिंगल स्टॉक के लिए पोर्टफोलियो के ऊपर रिस्क ओनली 0.5% है, am I right? Yes. तो आप अगर 25 स्टॉक लोगे तो कितना रिस्क होगा? 0.4। आप अगर 30 स्टॉक लोगे तो कितना रिस्क होगा? 0.35 के आसपास होगा, 0.35। तो देखो आप जितना जितना स्टॉक बढ़ते जाओगे पोर्टफोलियो पे उतना सिंगल स्टॉक के लिए रिस्क आपको कम होते जाएगा। हाँ, लेकिन आपको भी आप ज्यादा बहुत ज्यादा करोगे तो आपको आप फॉलो नहीं कर सकते स्टॉक को, आपको वीकली एक दिन, तो वीकली में जैसे मेरा जो पोर्टफोलियो का स्टॉक है मैं वीकली बेसिस पे फॉलो करता ही हूँ उसको, जहाँ ये सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं, कोई स्टॉक प्लस हिट हो गया या नहीं। तो आपको अगर पोर्टफोलियो में 20 to maximum 30 स्टॉक से ऊपर होगा तो उसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने उस लिए कभी 20 to 25% के ऊपर, मतलब 20 से 25 मैक्सिमम मेरा पोर्टफोलियो में स्टॉक रहता है। हाँ, मैं फ्री स्टॉक का बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री स्टॉक तो मेरा पोर्टफोलियो में बहुत है, फ्री स्टॉक को मैं कभी गिनता नहीं हूँ उतना। जो करेंट पोर्टफोलियो है मेरा कैपिटल पे मैक्सिमम 20 to 25 स्टॉक मेरा रहता है। तो उसमें क्या होता है, मैं सोचो 25 स्टॉक लिया, ठीक है, तो 25 स्टॉक मैंने अभी कैलकुलेट, सोचो अभी आपका सोचो स्ट्राइक रेट ओनली 40%, मैं 50 भी, अच्छा चलो 30% पकड़ लेते हैं, तो मतलब आप 10 स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, आपको सिर्फ 3 स्टॉक उसमें से चल रहे हैं, ओके 30% आपका स्ट्राइक रेट है, तो आप सोचो 25 स्टॉक में एंट्री किया तो आपको अगर 30% स्ट्राइक रेट है तो कितना स्टॉक आपको चलेगा? 7 स्टॉक ओनली चलेगा, 7 to 8 मैक्सिमम। तो मैंने सोच लिया चलो आप 25 स्टॉक में एंट्री किया, 17 आपको चला नहीं, 8 स्टॉक ओनली चला, ओके। और उसमें से भी देखो मेरा मेथड ये है, आप लोग जो लोग फॉलो कर रहे हो, जो मल्टीवेगर्स कैसे पकड़ना है, जो स्टॉक आपको जाके नेक्स्ट 2 साल में 5 to 6 4 to 5 times रिटर्न देगा, ठीक है, ऑब्वियसली हर स्टॉक नहीं दे सकते,
मैं पकड़ रहा हूं ये 25 स्टॉक में से मेरा एक स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, जो भी मेरे को कम से कम 5-6 तो बन ही जाता है मैं 25 स्टॉक में, लेकिन मैं पकड़ रहा हूं एक स्टॉक से मल्टीबैगर बनेगा जो मेरे को 300-400% रिटर्न देगा। ओके, बाकी उसमें क्या है, 17 स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैंने अगर एवरेज 10% करके रिस्क है तो मैंने कितना लूज करूंगा इधर, 2500 मैंने लूज करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये गेस कर रहा हूँ 8 स्टॉक मेरे को चलेगा, ठीक है, तो 18 स्टॉक में सोचो मेरा रिटर्न आ गया 50% रिटर्न आ गया, तो मैंने इसमें कितना कमा लूंगा, 12,500 उसके बाद 19 जो स्टॉक है उसमें सोचो मैंने 40% कमा लिया, मेरा कितना हो गया 10,000। और मेरा जो मेथड है ना वो दे ही सकते हैं आप लोग, उसको पूरा जानोगे तो देखोगे, देखो YouTube में मेरे को 90% रिटर्न दे रहा है एवरेज इतना स्टॉक दिया, तो 40-50% तो दे ही सकते हैं ना। 20 नंबर जो स्टॉक है सोचो वो 60% रिटर्न दिया, तो मेरा कितना हुआ 15,000। अभी 21 जो स्टॉक है वो सोचो फिर से आपको 40% रिटर्न दिया, आप फिर से 10,000 आया आपका जी जी। थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसको, जो नंबर 22 स्टॉक है वो सोचो आपको वो भी 50% का स्वर रिटर्न दिया, तो फिर से 12,500 जी। सोचो कोई एक 23rd जो स्टॉक है वो आपको 80% रिटर्न दिया, मतलब 20,000। अभी जो 24th स्टॉक है वो सोचो फिर से आपको 40% रिटर्न दिया 10,000। और आपको जो 25th स्टॉक है, मैं बोला आउट ऑफ 25 एक स्टॉक से मल्टीबैगर बनेगा, तो उसमें मैंने 300% रिटर्न पकड़ रहा हूँ, तो उसमें मेरा प्रॉफिट कितना होगा 75,000, 300% मतलब। तो आउट ऑफ 25 आपको स्ट्राइक रेट कितना पकड़ा 30% ओनली, 30-32%, और आउट ऑफ 25 स्टॉक एक स्टॉक से मल्टीबैगर बनेगा, तो आप तो जो ये सब जो ये 8 स्टॉक में आपको कितना प्रॉफिट आया टोटल 1,22,500 तो आपको पोर्टफोलियो के ऊपर कितना रिटर्न हुआ? ऑलमोस्ट 25.5 के आसपास, 23 के आसपास। चलो मैं इतना पकड़ लिया 22.5। देखो आपको और जो ये जो स्टॉप लॉस हिट हुआ 17 में वो तो फिक्स री इन्वेस्ट करोगे ना? बिल्कुल। तो उसमें भी मैं पकड़ रहा हूँ और 10% आपने कमा लिया, तो देखो तब भी आपको 30-35% स्ट्राइक रेट में भी आप 30% के ऊपर कमा सकते हो ना, आप अगर प्रॉपरली मनी मैनेज करोगे तो। बिल्कुल। आप देखो 20-30 के ऊपर, 25 के ऊपर, 30 के ऊपर स्टॉक में तो एंट्री नहीं ले सकते हो ना,
तो आपको रिग्रेट करके क्या फायदा है, लोग रिग्रेट करते रहते हैं ये स्टॉक में नहीं थी क्या चल गया, तो रिग्रेट करके कोई फायदा है? और मेरा जो मैं पोर्टफोलियो में एंट्री करता हूँ ना, मेरा 50-60% स्ट्राइक रेट हो जाता है पोर्टफोलियो के ऊपर, तो मेरा उस 35% आया तीन महीने में, क्वार्टर इस क्वार्टर में 35% उस आया। Obviously, हमेशा नहीं आता है, मार्केट ऐसा हमेशा नहीं चलता है, जब नहीं चलता है तब यल्ली तो आ ही जाता है 30%, जब स्लो चलता है मार्केट तो ये है। देखो आपको ऑब्वियसली इस मार्केट में आपको तो 30% स्ट्राइक रेट नहीं आएगा, इस मार्केट में स्ट्राइक रेट आपको 70-80% आएगा, लेकिन जब मार्केट बहुत खराब रहेगा, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था जब मार्केट नहीं चलेगा, तो मार्केट नहीं चलेगा आपको 25-30% तो रहेगा ना स्ट्राइक रेट, 10 में से स्टार्ट स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन 3 तो चलेगा ना आपका, क्योंकि सिस्टम जो सिस्टम मेरे को इतना देर से पैसा दे रहे, अगर कोई स्टॉक आपको चलने नहीं वाला है ना, वो आपको मेरा चेकलिस्ट फुलफिल नहीं करेगा, अगर स्टॉक को नहीं चलना है तो आपको सबसे बड़ा बात है जो बीआर फेज आएगा उसमें आपको स्टॉक मिलेगा ही नहीं उतना ज्यादा, जो मिलेगा मैं उसमें से भी पकड़ रहा हूँ 30% स्टॉक ही परफॉर्म करेगा, तब भी हम लोग कमा सकते हैं मार्केट में, ये एक चीज बोलना चाहता हूँ। तो उसलिए आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये होता है मतलब आपको मार्केट से इतना आसान नहीं है, और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 99% लोग नहीं करते, मनी मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने लोगों को रिस्क पता रहता है, ये मेरे को, और रिक्स पता रहता है तो रिक्स स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एग्जिट करता है, तो कितना आदमी एग्जिट करता है वो भी मेरे को बहुत डाउट है। तो ठीक है, ये समझ में आया ना सबको? जी दादा, 20-25% का बात करते हैं, क्योंकि आपको तब देखो आपको एक दो स्टॉक एक स्टॉक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो क्या आता जाता जाएगा, 10% दिया तो मार्केट को 0.5% आपका उससे लेकर जा सकते है ना। एक्चुअली लोग क्यों लॉस करते हैं, लोगों का प्रॉफिट बड़ा नहीं होता है, एक्चुअली लोगों के लिए ना वो जीरो सम गेम इसलिए हो जाता है। देखो हम लोग 10-15% रिस्क में एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपका सोचो 50% स्ट्राइक रेट है, 50% स्ट्राइक रेट तो बहुत होता है सर, 50% स्ट्राइक रेट में प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से करोगे तो आपको 30-40% के ऊपर रिटर्न मिलेगा, लेकिन लोगों का मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता। देखो 50% में लोग क्या करते हैं, 10-15% तो रिस्क ले लेता है, उसके बाद लोगों को जब 10-15% रिटर्न आता है ना वो स्टॉक में, वो हमेशा वो हर वक्त पूरा दिन देखते रहते हैं, तो छोटे 20% जाके जब वो फिर से 14-15% दिखाता है ना, वो स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाता, तो उसका प्रॉफिट कितना आया, 14-15% ही प्रॉफिट आया, 15% आया, और जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसमें 15% दे रहा है, 10-15% दे रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना बिग। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग में जो लोग ट्रेडिंग का बात करते रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं 10-12% रिस्क में एंट्री करते हैं, और जिसमें कमाता है 10-12% ही कमाता है, तो जीरो सम गेम हो जाता है, पैसा तो होल्डिंग में आता है, तो जीरो सम गेम बन जाता है। लोग क्या करते हैं, जिसे ये क्या जीरो सम गेम क्यों बनता है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको वो बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा 70-80% प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट को मैंने मार्केट में छोड़ देता हूँ और उसको ट्रेलिंग करते रहता हूँ, तो वो प्रॉफिट मेरा बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है, और जो लॉस इसके मतलब थोड़ा ये मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, स्टॉप लॉस तो हिट होता है, लेकिन जिसमें स्टॉप लॉस देखो अभी मेरा जो लॉस हो रहा है वो छोटा है, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है वो बड़ा है, रिजल्टेंट में मैंने इतना कमा रहा हूँ। और मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोग पोर्टफोलियो को एज ए म्यूचुअल फंड नहीं देख सकते, मैं जैसे देखता हूँ मेरा पोर्टफोलियो के ऊपर रिटर्न कितना है, मैं कभी नहीं देखता हूँ कौन सा इंडिविजुअल स्टॉक से मैंने कमाया, मैं जैसे यूट्यूब में कुछ दिन पहले रखा था मेरा पोर्टफोलियो, मैं कभी दिखाया नहीं कौन सा स्टॉक से कमाया, हाँ मैं देख के मेरा PNL खोल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ हाँ मैंने इतना पैसा लगाया कितना कमाया मैं, वो मेरा एम होता है, मैं कितना परसेंट निकाल रहा हूँ मार्केट से,
मैं जब भी ऐसा आप लोग देखना चालू करोगे ना तब आपको इंडिविजुअल स्टॉक के लिए रिग्रेट नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। आपके साथ कभी ऐसा होता है क्या कि आपने स्टॉक में एंट्री किया 40-50% प्रॉफिट में है और सडनली बियर मार्केट स्टार्ट हुआ या फिर मार्केट गिरने लगा और आपका उसके बाद फिर जाके आपके कॉस्ट पहले बात तो है उसके बाद जाके सडनली स्टार्ट नहीं होता है। या आई मीन मेरा ये कहने के लिए अभी सपोज आपका 40-50% प्रॉफिट है और मे बी वो स्टॉक उससे ऊपर नहीं गया और आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आके उसके बाद फिर आपका एक्चुअल जो स्टॉप लॉस था 10% नीचे वो हिट कर गया। पहले बात है कोई स्टॉक मेरा 40% ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस इनिशियल स्टॉप लॉस कभी नहीं रहेगा। मैं हमेशा ट्रेड करता हूं। ओके मैं आपको ऐसा बोला जैसे कोई स्टॉक ऐसा मैंने सोचो ऐसा ऊपर जा रहे मैं इस जगह पे लिया सोचो ये पुल बैक पे लिया ठीक है मेरा जो 40-50% जब रिटर्न होगा ना तब ये ऐसा होके ऐसा एक होगा तो मेरा स्टॉप लॉस इधर ट्रेलिंग हो जाएगा तो समवेयर अराउंड मैंने 20% प्रॉफिट में तो निकल ही जाऊंगा। मेरा अगर 40% इधर दे रहा है मैं उसको थोड़ा जीरो होने दूंगा। मैं तो ट्रेलिंग करते रहता हूँ उसको हमेशा जैसे ये लो देगा मैं ट्रेलिंग कर दूंगा। मेरा हमेशा ट्रेलिंग होता रहता है मेरा वो कभी मेरा 100% प्रॉफिट लेकर जा ही नहीं सकते वो ये मेरा सिस्टम है। सो ये ट्रेलिंग वीकली बेसिस पे होता है। हां वीकली बेसिस पे जब तक लोग ये सोचते हैं ना मेरा 40% प्रॉफिट जीरो हो जाएगा वो कभी नहीं कमा सकते। उसको वो जानना चाहिए यहां 40% है तो 40% में से कितना परसेंट में सेल करता हूं मेरा पोर्टफोलियो पे जैसे मैं बहुत मतलब मेरा जो है ये अपने से मैंने बहुत पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट है ना वो सेव करने के ऊपर बहुत काम करता हूं। मेरा अगर 35-40% प्रॉफिट होता है मैं तो उसमें से कम 29-30% तो बचा ही लूंगा। मैं क्या करता हूँ जब मेरे को मार्केट अच्छा नहीं लगता है ना लोग क्या सोचते हैं जो कोई ब्रोकर को कुछ 40-50 रुपया ब्रोकर को देना पड़ेगा उसलिए नहीं बुक करते। मेरे को जब मार्केट खराब लगता है देखो मेरे को कुछ आता जाता नहीं है कौन क्या सोच रहा है नहीं सोच रहे जे क्यों इतना बार एंट्री एग्जिट कर रहा हूँ मैं उतना सोचता ही नहीं हूँ। हाँ लेकिन मेरा सिस्टम के बाहर जब तक नहीं जाएगा तब तक मैंने निकलता भी नहीं। देखो इसमें भी मेरा सिस्टम क्वेश्चन सर एक मिनट पहले इसको मेरे को बताने दीजिए मैं लूंगा। पहले एक तो ये करता हूँ मेरे को जब मार्केट में कंफर्ट कॉन्फिडेंस नहीं आता है हाँ मार्केट गिर सकता है ऐसा कुछ लगता है मैं उस टाइम क्या करता हूँ एक तो जो स्टॉक में रिसेंट एंट्री किया तो उसमें या तो क्या होगा 2% प्लस या तो 2% माइनस रहेगा सही है ना। जो रिसेंट एंट्री किया सो जो लास्ट वन वीक या तो 2% प्लस या तो 5% प्लस या तो 5% माइनस रहेगा मेरा उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना क्योंकि उससे ज्यादा नीचे जाएगा तो मेरा तो स्टॉप लॉस ही मेरा चला जाएगा मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा ही नहीं वो तो या तो मेरे को 2% प्लस या तो 2% माइनस है तो मेरे को मार्केट अगर खराब लगता है तो वो स्टॉप स्टॉक क्योंकि मेरे को पता है मेरा एक स्टॉक मिस हो जाएगा तो कुछ आता जाता नहीं है मैं तो नेक्स्ट दिन और एक स्टॉक फाइंड आउट करके उसमें एंट्री कर ही जाऊंगा तो मेरे को उसी स्टॉक से कमाना है एक वो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ जो ये 0-0 के आसपास है 2-3% प्लस माइनस मेरे को मार्केट अगर खराब लग रहा है मैं उसको एग्जिट कर जाता हूँ। तो मेरे को ये क्योंकि वैसा स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में 20% रहता है हमेशा न्यू एंट्री वाला वो 20% तो मेरा कैपिटल सेव हो गया ठीक है। और दूसरा क्या करता हूँ कोई बहुत सारे स्टॉक रहता है 30-40% स्टॉक ऐसा रहता है जो मेरे को 70-80% प्रॉफिट में है तो मैंने उसको भी एग्जिट कर जाता हूँ। एग्जिट करके क्या करता हूँ लेकिन फुल एग्जिट नहीं करता हूँ मेरा प्रॉफिट अमाउंट में छोड़ देता हूँ ठीक है। हाँ अभी कौन सा स्टॉक रह जाता है बहुत सारे स्टॉक रहता है जैसे मेरा 15-20% प्रॉफिट है तो ये 15-20% प्रॉफिट वाला जो स्टॉक होता है ना ये स्टॉक को मैंने रिस्क ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है अगर मार्केट 10% भी करेक्ट होगा ये आके मेरे को तब भी मेरे को 5-10% प्रॉफिट में रहेगा और मेरा मेथड इतना खराब हो ही नहीं सकता। मार्केट जैसे मतलब वो क्या है 15-20% से 5-10% रहेगा और मेरा मेथड इतना खराब हो ही नहीं सकता। वो अगर मार्केट जैसे सपोर्ट देगा ना वो तुरंत 30-40% में आ जाएगा क्योंकि कोई स्टॉक ऐसा ही होता है कभी
पंद्रह बीस टका रिटर्न दिया, वो अगर उसके बाद 10% करेक्ट होगा जब बैक करेगा ना, वो आपको डायरेक्टली 30-35% रिटर्न देगा। तो मैंने जो 0-0 है उसको मैंने रिस्क ले लेता हूँ, मतलब भेज देता हूँ, जो 70-80% प्रॉफिट में है उसका प्रॉफिट में सेव कर लेता हूँ, प्रॉफिट अमाउंट सेव छोड़ देता हूँ ट्रेलिंग करके, और जो 15-20% मतलब प्रॉफिट से है वो स्टॉक को मैंने रिस्क ले लेता हूँ। तो देखो मैं कैसे मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को ये 20% तो सीधा सीधा बच गया, और इधर भी मेरे को 30-40% तो सीधा बच गया। तो मेरा हमेशा क्या होता है, इसमें भी तो मेरे को 30-40% कैपिटल आ गया, इधर भी आ गया, तो 50-60% जब भी मार्केट मेरे को खराब लगता है, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है एक दिन थोड़ा सा ऐसा हिला मार्केट खराब लगा, ऐसा नहीं है, मेरे को जब लगता है मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, लेकिन कोई गॉड नहीं है, मार्केट का ट्रेंड एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकते। तो मैंने लेकिन तब मैंने 30-40% तो विद कैश में रहता हूँ जब मेरे को मार्केट खराब लगता है, तो ऐसे मैंने मेरा प्रॉफिट को सेव कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को जरूरी नहीं है इस स्टॉक, देखो ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है, हाँ जा सकते हैं, तो लेकिन मेरा तो प्रॉफिट वाला अमाउंट 70-80% अमाउंट तो पड़ा है ना प्रॉफिट, और प्रॉफिट से लॉस होगा तो मेरे को इतना ज्यादा लगता नहीं है मेरे को। और दूसरा मैं सिर्फ इस जगह पे रिस्क लेता हूँ, देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें मेरे को मार्केट अगर पैसा ले सकते तो कहाँ से लेगा, मेरा ये पोर्शन से लेगा, तो ये पोर्शन के लिए मैं हमेशा बहुत सेंसिटिव होता हूँ, ये पोर्शन से तो मार्केट पैसा ले नहीं सकते, और ये पोर्शन से भी मेरे को मार्केट पैसा ले नहीं सकते, समझे ना, क्लियर हुआ सर सबको? राइट यस दादा, दादा एक बार रिपीट कर रहे जो व्हाट यू जस्ट सेड। मैंने क्या बोला, मेरे को अगर मार्केट खराब लग रहा है, मेरे को लग रहा है निफ्टी गिरने वाला है, ऑब्वियसली वो एक दो दिन थोड़ा सा माइनस हो रहा है उसके लिए नहीं है, मेरे को जब लग रहा है हाँ निफ्टी शायद चेंज चेंज होने वाला है, लेकिन देखो कोई चीज तो कंफर्म नहीं होता है, शायद थोड़ा सा नीचे जाके फिर से ऊपर आ गया, तब आप क्या करोगे, तब अगर आप आपको जब भी लगेगा हर बार अगर फुल पोर्टफोलियो आप एग्जिट करते रहोगे ना, कभी आपको पोर्टफोलियो बढ़ेगा नहीं, तो लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपको जितना प्रॉफिट कमाया सारे प्रॉफिट मार्केट में चला जाए। तो मैं उसलिए ये करता हूँ जो मेरा पोर्टफोलियो पे जो स्टॉक 2-3% जैसे मैं रिसेंट एंट्री किया जो जो स्टॉक में 2-3% प्रॉफिट में है या तो 2-3% लॉस में है उसको कम्प्लीटली मैं एग्जिट कर जाता हूँ। वो क्या होता है पोर्टफोलियो का 20-25% है, क्योंकि आपको अगर बाकी जगह पे कुछ स्टॉक रहेगा 30-40% स्टॉक रहेगा जो 15-20% प्रॉफिट में है, और 30-40% प्रॉफिट रहेगा जो 70-80% प्रॉफिट में है, या तो 50% पकड़ लो, मैं 50% प्रॉफिट को भी क्यों जाने दूंगा। तो ये जो 50% के ऊपर वाला पोर्शन है इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरा कैपिटल में एग्जिट कर जाता हूँ, कैपिटल एग्जिट कर गया, मैं क्या छोड़ के रखा, मेरा से प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट को मैं क्या करता हूँ ऐसा टेलिंग कर रहा हूँ, ये जो टेलिंग आता है इस जगह पे टेलिंग करते रहता हूँ, तो टेलिंग करते रहता हूँ। तो ये तो मेरे को चलो इसमें तो कैपिटल ले नहीं सकता ना, मार्केट कितने भी करेक्शन हो, तो जो मेरा कोई स्टॉक में 70% प्रॉफिट है मेरा कैपिटल निकल लिया, ठीक है स्टॉक तब इस जगह पे, अब जनरली करेक्शन जब चालू होता है स्टॉक ऊपर ही रहता है, तो उसके बाद वो सोचो 20% करेक्शन हुआ तब भी मेरा 50% तो प्रॉफिट रह जाएगा, इस जगह तो मेरा कैपिटल ले नहीं पाया मार्केट, जो 15-20% है वो अगर 10-15% करेक्शन होगा तब भी मेरा 5% का प्रॉफिट बच गया, और वो जब भी मार्केट बैक करेगा ना वो तुरंत बाउंस बैक करेगा, तो इस जगह पे भी मेरा कैपिटल ले नहीं पाया, जो कैपिटल लेने का चांस रहता है कैपिटल ले सकते इस जगह पे जो रिसेंटली एंट्री स्टॉक है, तो उस जगह पे मार्केट अगर मेरे को खराब लग रहा है तो मैंने ये पोर्शन जो 20% रिसेंट एंट्री स्टॉक होता है उससे मैं पूरा एग्जिट कर जाता हूँ, समझे राइट दादा गॉट इट गॉट इट। मेरा कैपिटल ले नहीं सकता, कैपिटल ले सकते चलो मार्केट में मैं रिसेंट एंट्री जो 20% स्टॉक है सबके सब माइनस में होगा तब भी मेरा ये 20% के ऊपर से 2% ले सकता है जो मेरा टोटल कैपिटल का कभी 1% से ज्यादा नहीं होगा। दादा एक क्वेश्चन, हाँ सपोज करो जैसे कोई भी मतलब स्क्रिप्ट मैंने क्या बोलते हैं हायर हाई बनाते हुए जैसे आपका लोअर हाई और हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है
लेकिन किसी कारण से वो नीचे आया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे आपने बताया कि भाई ये आपका जो यहाँ पर 70% प्रॉफिट था, 50% में जैसे आपको मैंने लगा निकलना है, आपका जो स्टॉप लॉस आपने ट्रेलिंग करते गए 50%, और मालूम चला कि आप वहाँ पे एग्जिट हो गए, और फिर मतलब वो जो मतलब स्क्रिप्ट है वो फिर से बाउंस बैक किया और मतलब वो वापस फिर से 70-80 पहुंच गया। तो उसमें री एंट्री करना हो तो उसके लिए क्या देखना चाहिए? देखो एंट्री के लिए मेरा पूरा चेकलिस्ट होता है। आप कोई बात बोल रहे हो, आपको मन में ये बैठ गया जो वो पर्टिकुलर स्टॉक से आपको कमाना है। देखो मैं पहले तो बोल दिया, मैं कभी पर्टिकुलर मैं पूरा प्रॉफिट कभी एग्जिट नहीं करता हूँ। मैं प्रॉफिट छोड़ रहा हूँ ना मार्केट में। जी जी जी, मेरे पास अगर 50% कोई स्टॉक में प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट वाला अमाउंट तो मैं मार्केट में छोड़ रहा हूँ। वो ऊपर जाएगा तो मेरा रिग्रेट नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, मेरे को कोई मार्केट में बोला नहीं जाए तुमको यही स्टॉक से कमाना है। मार्केट में 600-700 स्टॉक है, मेरा एक स्टॉक से नहीं कमा पाया तो मैं दूसरा स्टॉक से कमा लूंगा। लेकिन आप सोचो, आप जो बोल रहे हो ना, उस स्टॉक अगर ऊपर जा सकता है, वो स्टॉक अगर नीचे बहुत आया और आपने एग्जिट नहीं किया, आपका कैपिटल लेके जाएगा। आपको कैपिटल एक बार चला गया ना, आप जब कैपिटल रहे तो कोई भी स्टॉक से आप कमा सकते हो। तो मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्शन मेन चीज होता है सर। कैपिटल रहे तो मैं कोई भी स्टॉक से कमा लूंगा। तो ऑब्वियसली ये कैसे एग्जिट करना है उसके लिए सब कुछ के लिए मेथड होता है, कैसे ट्रेडिंग करना है। मैं सारे डिस्कस करने जाऊंगा ना, मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। उसके जस्ट साइकोलॉजी पोर्शन पे कैसे पोर्टफोलियो मैनेज होता है। पहले तो बात है 20-25% में मैंने देखो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मेरा कोई सिंगल स्टॉक के लिए मेरा पोर्टफोलियो पे 0.5 के ऊपर रिस्क नहीं है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं 20 स्टॉक में एंट्री करूंगा उसमें 10 नहीं चलेगा। चलेगा ही चलेगा। तो मेरा 10 स्टॉक 0.5 करके लेकर गया ना, मैं 20 स्टॉक में उससे तो 5 गुना में कमा लूंगा। राइट right. नहीं, अगर किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जैसे मतलब एक मतलब रहता है कि हाँ भाई इसमें मोमेंटम आ रहा है, तो कई बार अपन स्टॉप लॉस हिट किया अपन निकल जाते हैं, फिर दोबारा देखते हैं कि वो बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर रीएंटर करना मिस हो गया तो आप दूसरे कोई स्टॉक से नहीं, और मार्केट में सिर्फ वही एक ही स्टॉक में मोमेंटम आता है। नहीं नहीं, मोमेंटम तो सभी में आएगा, जैसा भी जिसमें जितने भी मतलब फंडामेंटल अच्छा है। देखो मेरा मेन चीज ये है, मैं तो हर रोज स्टॉक ढूंढ के निकालता हूँ, मेरे को रिग्रेट कभी नहीं आता है एक स्टॉक में। लेकिन मेरे को कैपिटल अगर चला गया ना, मैं कमा नहीं सकता हूँ। और कैपिटल को आपको प्रोटेक्शन करना, ये लोग ये सोचता है ना, इसलिए जो वो स्टॉक तो मिस हो जाएगा। आपको मार्केट में हर रोज स्टॉक मिलेगा सर। आपको अगर मार्केट में कैसे ढूंढ के निकालना है वो पता है तो आपको स्टॉक मिलेगा। आपको कितना स्टॉक चाहिए? आपको तो 10-20 अच्छा स्टॉक चाहिए आपको। लेकिन अभी का मार्केट में तो आपको 100 स्टॉक हर रोज चलता है, 500 स्टॉक में मोमेंटम आता है। आपको 500 स्टॉक में आप मतलब कर सकते हो? नहीं। लेकिन मैंने उतना आसानी से एग्जिट नहीं कर रहा हूँ सर। मेरा से पोर्टफोलियो का 20% ही मैं आसानी से एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उस जगह पे उसमें भी मार्केट अगर मेरे को स्टेबल है, मैं कभी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो मैं निकलता नहीं हूँ। मार्केट अगर स्टेबल है तो राइट। लेकिन जिस जगह पे मेरे को मार्केट पे देखो, मार्केट अगर गिरेगा तो सारे स्टॉक गिरेगा, ठीक है? वो तो कोई किसी को कितने भी अच्छा स्टॉक है किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो तो करेक्शन करेक्शन तो मेरे को बेटर ये है ना। देखो क्या होगा, बेटर ये है जो मेरा सबसे सेंसिटिव पोर्शन है। सबसे सेंसिटिव पोर्शन कौन सा है? जो रिसेंटली एंट्री स्टॉक है। बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे को देखो तब भी मेरा वो 10% भी लेकर जाएगा ना, 10-15% भी लेकर जाएगा, तब भी मेरा पोर्टफोलियो का वो 0.5 से ऊपर तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि हर स्टॉक के लिए मेरा रिस्क फिक्स है 0.5-0.6%, सही है ना? लेकिन तब भी मेरे को जब मार्केट बहुत खराब लग रहा है, देखो आप लोग उतना टाइम नहीं कर पाओगे, मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, तब भी सही से तो टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं 60% टाइम मतलब 100% टाइम में मेरे को लगता है जो मार्केट खराब है, लेकिन उसमें 50-60% टाइम में तो खराब ही होता है, ठीक है? वो एक्सपीरियंस से आता है धीरे धीरे। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ एक्चुअली, मेरा आप ऐसा भी नहीं करोगे, चलो ये तो बहुत एडवांस चीज हो गई, आप ऐसा भी नहीं करोगे, सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो, 20-25 स्टॉक लेके उसमें राइटली एलोकेट करो, और स्टॉप लॉस जब हिट हो रहा है, क्योंकि आप मार्केट टाइम नहीं कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ खराब है तब भी चलो ठीक है, आप टाइम नहीं कर सकते। और इस जगह पे देखो री एंट्री कोई भी स्टॉक में कभी भी कर सकता हूँ। मेरा चेकलिस्ट जिधर ही फुलफिल होगा मैं री एंट्री कर सकता हूँ। उसमें मेरे को
सिर्फ क्या देना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना। जी तो मैंने हमेशा उसलिए मेरा देखो स्टॉक तो चलता है, बहुत सारे लोग ऐसा है स्टॉक तो ढूंढ के आपको निकल के देगा, लेकिन कितने स्टॉक में राइट किया। मेरा तो पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक है 200% 300% रिटर्न है, क्योंकि मेरे ये जो प्रॉफिट छोड़ रहा हूँ ना ये अमाउंट भी मेरा बहुत अच्छा खासा ही होता है। मैं कोई स्टॉक में एंट्री करता हूँ तो चार पांच तीन चार अकाउंट मिला के वो कम से कम मतलब 4-5 लाख तो होता है मेरा जी। लेकिन आप बोलोगे चलो आपका तो बड़ा पोर्टफोलियो है, तो ऐसा नहीं, मैं छोटा पोर्टफोलियो भी मैनेज करता हूँ, करना पड़ता है कोई कोई चीज में। जैसे मेरा वाइफ के पास जमा हुआ रिस्क दोनों में ही है। हाँ बोलिए क्या बोल रहा है। बोला रिस्क तो छोटा हो या छोटा पोर्टफोलियो या बड़ा पोर्टफोलियो, रिस्क तो दोनों में है दादा। रिसेंटली चालू किया मेरा वाइफ के पास, मतलब ताकि उन्होंने बोला तुम इतना कमा रहे हो मेरा पैसा नहीं बढ़ा रहे हो। मैंने बोला अरे ऐसा थोड़ा है, बोला मेरे पास 30,000 है तुम लगा दो। उनको भी 30,000 का एक पोर्टफोलियो बना के मैनेज कर रहा हूँ मैं, उसमें थोड़ा ये ऐसा मैं एक स्टॉक में लगाया, उसमें मैं 30,000 में मैंने क्या कहते 5,000 से तो नीचे ले ले नहीं सकते, तो 5,000 करके मैं 6 स्टॉक्स उठा लिया उसमें। राइट तो उसमें भी क्या हुआ मेरा रिस्क तो प्रॉपरली मैनेज हो रहा है ना, 5 स्टॉक में 5 तो नहीं चलेगा ना, 6 में से 6 लेकिन 6 में से 3 चलेगा, वो 3 मेरे को अच्छा खासा देखे जाएगा। मेरे को ऐसा नहीं कभी मैं 100% स्टॉक जिसमें एंट्री कर रहा हूँ उसमें चलेगा, ये अगर मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ तो मेरा हमेशा लॉस ही रहेगा। मैं मार्केट से कभी प्रॉफिट नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, मैं 10 स्टॉक में एंट्री किया, 10 स्टॉक में जैसे लोग मेरे को बोलते रहते दादा आपने ये स्टॉक दिया ये चला नहीं, अरे नीच भी चल सकते, मैं क्या करूं, मैं भगवान थोड़ा ही हूँ। मेरे को कंफर्म अगर है ये स्टॉक चलेगा तो मैं उसमें 50 लाख नहीं लगा दू। सही बात है, सही है। मैं क्यों इतना मैनेजमेंट कर रहा हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देखो आपको अभी एक क्लास के बाद तो कम से कम इतना तो पता चल गया ना जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मेन चीज होता है, रिस्क मैनेजमेंट मेन चीज होता है, उसके बाद आपको 30% 25% भी आपको स्ट्राइक रेट रहेगा ना, 4 में से 1 स्टॉक भी आपको चलेगा आप कमा सकते हो सर मार्केट से। देखो मैं तो मेरा तो क्या कितने सारे स्टॉक मैंने जो शेयर किया, मैं जैसे देखा 15% जितना यूट्यूब में लास्ट एक साल में शेयर किया उससे 15 से 20% स्टॉक आपको मल्टीवेगर टाइप का रिटर्न दिया। मल्टीवेगर टाइप का रिटर्न मतलब 3-4 टाइम दिया, ठीक है। मैं 100 स्टॉक शेयर किया तो उसमें 15 से 20 तो इतना ही दिया, तो ये सोचो तो मैं, लेकिन इसमें भी मैं 25 में से 1 स्टॉक को पकड़ रहा हूँ, मतलब 100 स्टॉक में लिया 4 स्टॉक मल्टीवेगर पकड़ रहा हूँ, तब भी मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट कमा सकता हूँ मार्केट से। और मैंने क्लास का स्टार्टिंग में ही मैंने बोला जैसे मार्केट में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं जिससे आप 6-7% के ऊपर कमा सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी 10-12%, लेकिन 20% के ऊपर कमाना है तो आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से और आपको स्टॉक को सीखना पड़ेगा। आप सोचते हो ये तो मैं इसलिए कभी इसमें कभी ऐड नहीं करता हूँ, आप लोग सोचते हो चलो इनको ये 5,000 बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लोग देखो मार्केट में 70-80,000 वो तो नहीं है, लेकिन आप कोई स्टॉक में कितना बोलते हैं लोग, मैंने देखा मेरे पास बोलता है सर मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दे दो, मेरे को मार्केट में 2 लाख रुपया मैंने लॉस कर लिया। अरे तुमको लॉस करने के लिए 2 लाख है, तुम तो मतलब अब तो कल्पित लॉस करने के लिए 2 लाख है और सीखने के लिए 5,000 नहीं है तुम्हारे पास। सही बात है, 5,000 और इन्वेस्ट कर लो। हाँ तो बात ये है मैं भी सीखता हूँ, मैं भी अटेंड करता हूँ दूसरे लोगों को, अभी भी पैसा देके मेरे को अगर किसी को अच्छा लगता है मैं अटेंड कर लेता हूँ, उसमें क्या बुरा चीज है। मैं सोचो मैं चल लिया वो 100 चीज सिखाया, 100 में 99 मेरे को पता है, 1 चीज शायद मेरे को नहीं भी पता हो सकता है ना, मैं अभी भी अटेंड करता हूँ लोगों को, क्या प्रॉब्लम है। उसने अगर कोई जगह पे जाके सिखा रहे तो वो कोई उसको जरूर कुछ पता है, वो जरूर कुछ अचीव किया उसने सिखा रहा है, तो मेरे को शायद 99 चीज मेरे को पता रहेगा, लेकिन 1 चीज जो सीखता हूँ ना शायद वो मेरे को बदल सकता है। मैं मार्केट से ले रहा हूँ, देखो वो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा, जो मैं लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट में हमेशा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ लेकिन अभी क्या है, अभी कहाँ पे जाके नहीं सीखूंगा, मैं घर पे बैठे बैठे अटेंड कर सकता हूँ तो मैं सीख लेता हूँ, मैं कभी सोचता नहीं हूँ। कोई बोला हाँ दादा अटेंड कर लो 5-10 हजार है तो मैंने तो अटेंड कर जाता हूँ उसमें, क्योंकि मार्केट से मार्केट मेरे को दिया उतना, मार्केट में नया चीज सीखने के लिए मेरे को 5-10 हजार इन्वेस्ट करना है तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या आता जाता है, मेरे को अगर 1 चीज भी नया सीखने मिला तो मैं सीख लेता हूँ।
मैं सीखने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता हूँ कि लोगों का उल्टा है, लोगों को पहले कमाना है उसके बाद, लेकिन हमेशा लोगों को वही प्रोसेस चालू होता है, पहले मार्केट में आ जाएगा एक बड़ा अमाउंट, पूरा कैपिटल इरेज आउट हो जाएगा, इरेज आउट मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100% चला जाता है, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक उनका घर जमा ही बन जाता है, 15% 20% गया, लोग होल्डिंग करते रहते हैं और उसके भी नीचे जाता है, उसके भी नीचे जाता है, उसके भी नीचे जाता है, बाद में दादा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए सर, एक क्वेश्चन था दादा। हाँ बोलिए। हाँ दादा, जैसे कि अभी कोई स्टॉक है उसने हाँ उसने पहले ही आपको मतलब नहीं क्या 4 to 5 times रिटर्न दिया है, पर आपको लग रहा है कि वो और अप जाएगा उसके फंडामेंटल्स के बेसिस पर और टेक्निकल के बेसिस पर, पर एक्चुअली अभी जैसा मार्केट है ऑल टाइम हाई पे, तो डर भी लग रहा है क्योंकि मतलब अमाउंट इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड भी है, अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट है, तो क्या करना चाहिए? मैं तो बोला ना, मैं यही तो बोला अभी। क्या बताया दादा? ये जो पूरा चीज समझा, ये क्या समझाया मैंने? अच्छा, ये चीज के क्या समझाया मैंने? मतलब मार्केट खराब तो लगता है पर ऑलरेडी वो मतलब 4 to 5 times रिटर्न दे चुका है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, मेरे को टेलिंग है ना, उस स्टॉक तो मैं टेलिंग कर रहा हूँ, तो उसमें प्रॉफिट छोड़ के निकलना चाहिए, अपना जो पैसा है आपका प्रॉफिट निकाल लो और फ्री शेयर छोड़ दो। ऑलरेडी प्रॉफिट छोड़ दिया ना मैंने, 80-90% में मैंने प्रॉफिट ही छोड़ दिया, तो उसके बाद मैंने टेलिंग कर रहा हूँ। जैसे मेरा पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक है, मोर्टल लैब मैंने 30 पे लिया था, मैंने 71 पे एग्जिट कर गया था, अभी 4 महीना हो गया, ठीक है, वो उसी जगह पे पड़ा है, मेरा प्रॉफिट वाला अमाउंट पूरा 100% मेरा पड़ा है। दूसरा जो मतलब मेरा जो लास्ट क्लास अटेंड किया उन लोगों को पता है, मैं पूरा पोर्टफोलियो क्लास में दिखाया था जो कैसे, अभी उतना टाइम है नहीं, जो उसके बाद जैसे उसके बाद वो अमाउंट मैंने देखो, और मनी भी सर्कुलेट होते रहता है उसमें, मैंने वो पैसा निकल के उस टाइम मान एंडोलियम बल के स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा था, और बिलीव नहीं करोगे मैंने एंट्री किया उसका 3-4 दिन में उसने 60% रिटर्न दे दिया, कंटिन्यूअस 2 upper circuit लगा, 1-10% का लगा, जब 3 दिन में कोई 3-4 दिन में कोई स्टॉक 60% रिटर्न देते ना, तब उसके बाद एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज आता ही है। तो मैं मान एल्यूमिनियम में भी बहुत ज्यादा 80-90% तक रोका नहीं, मोडपैन में देखो 100% मान एल्यूमिनियम में मैंने क्या किया, मेरा जब कितना 61% के आसपास था मैं निकल गया, और मेरा लेकिन प्रॉफिट शेयर बढ़ा है मेरा, ठीक है, तो वो वाला मैंने और एक किसमें एंट्री किया। हाँ, उसके बाद वो पैसा मैंने बर्धमान स्पेशल स्टील पे एंट्री किया, तो वो भी अभी 20% ऊपर है। देखो मोरपेन वही जगह पे पड़ा है, ठीक है, लेकिन मेरा क्या है उसके सामने मेरा मान एल्यूमिनियम का प्रॉफिट शेयर आ गया, और उसके मैंने उसके भी 60% कमा लिया, उसके बाद भी मेरा जो बर्धमान स्पेशल स्टील है उससे भी मेरे को 20% प्रॉफिट में बैठा हूँ। तो समझो पैसा भी रोटेट हो रहा है ना, सेम टाइम पे मैं अगर मोरपेन में पड़ा रहता था तो क्या होता था, वही जगह पे मेरा पैसा रहता था, लेकिन वो पैसा जो कैपिटल मैंने निकल लिया था उसमें और एक स्टॉक में मेरा फ्री स्टॉक जनरेट हो गया, प्लस और एक स्टॉक में मेरा 20% रिटर्न मिल रहा है, ऐसा होता है। तो मेरे को थोड़ा ही मेरे को देखो कभी मैं मार्केट का, और आप बोल रहे हो ना मार्केट ऑल टाइम, मार्केट ऑल, एक मिनट मेरे को बोल रहे, तो आप बोल रहे हो ना मार्केट ऑल टाइम हाई पे, आपको गारंटेड है मार्केट इससे बाद नहीं जाएगा? मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट 3-4 साल में मार्केट 50,000 जाएगा निफ्टी, 5 साल में मिनिमम, क्योंकि मार्केट का ये फेज होता है सर। हाँ, वो तो है गारंटी। हाँ तो आपको तो मैं एक्सपेक्ट मैं मन से चाह रहा हूँ एक करेक्शन हो, सही में मैं जो भी मैं लाइफ के सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी किया हुआ है, लेकिन मैं तब भी चाह रहा हूँ एक करेक्शन हो, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है ना, कोई स्टॉक लास्ट 10-15 दिन से बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है, तो एक बार वो मार्केट थोड़ा सा डीप देगा ना, 10-15% डीप दे देगा, तब क्या होगा, पूरा सारे स्टॉक ऐसा चलेगा, जो स्टॉक विनर नहीं है ना वो तो नीचे रह जाएगा, और जो सारे स्टॉक फिर से ऐसा चलेगा, एक डीप दे देगा तो अच्छा है, 10-15% अगर करेक्शन दे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं और भी लगाऊंगा पैसा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसलिए नया
मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं नया पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी नया पैसा नहीं कर रहा हूँ, जो पुराना पोर्टफोलियो है वही वाला, उसको ही उसको मैं निकाल नहीं रहा हूँ। मेरे को थोड़ा ही पता है मार्केट काल से ऊपर नहीं जाएगा, किसको पता है, किसी लेकिन को पता नहीं सर। मेरे को ये बात मेरा एक स्टूडेंट 800-900 पे भी बोला, नहीं वो तो कैसे, हाँ जब 900-9500 है ना उस टाइम पे भी बोला सर मार्केट तो 2000 रन करके अभी नहीं एंट्री करना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन होने दो एंट्री करेंगे। फिर से वो 10,500 पे भी वही बोल रहा है, उसके बाद भी ऊपर ही ऊपर चली जा रहा है मार्केट, ठीक है। 12,000 पे भी लोग बोल रहा था चलो ऑल टाइम हाई पे आ गया, ठीक है। तो उससे नहीं है सर, आपको आप मार्केट को ऐसा हमेशा ऑल टाइम हाई आपको क्या लेकर जाएगा, आप ऑल टाइम हाई पे भी इन्वेस्ट करोगे आपको कितना परसेंट लेकर जाएगा, 10% लेकर जाएगा, 10% आपका लेकर जाएगा। आप अगर 20 स्टॉक में एंट्री कर रहे हो 0.5 करके रिस्क ले रहे हो, 10% लेकर जाएगा। आप अगर 10% रिस्क नहीं ले सकते तो मार्केट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेन जगह है, आप जब भी गुजरोगे आपको 10% रिस्क तो लेना पड़ेगा, मार्केट कभी सर्टेन नहीं रहेगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना मार्केट ऑल टाइम हाई है, मैं गारंटी दे सकता हूँ बॉटम में भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ सही में, बॉटम में मेरे को भी हिम्मत नहीं होता है एकदम 7,500 पे मैं भी नहीं कमा पाया। हाँ मैंने लेकिन स्टार्ट किया 9,000 का ऊपर से स्टार्ट कर दिया था कमाने के लिए, क्योंकि तब मेरे को कन्विक्शन आ गया हाँ मार्केट ट्रेंड चेंज किया। जब तक ये मेरे को हाँ मार्केट जिस दिन मेरे को दिखाएगा मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है मैं ऐसा करता हूँ, मैं उस दिन मैं वो ये 20% स्टॉक को मैं हमें कभी 100% नहीं एग्जिट करूंगा मैं मार्केट से। आप अगर मार्केट से वो सोच रहे हो ना मार्केट को टाइम करके, सबसे बड़ा बात आप सोच लो कोई स्टॉक का आप तो टॉप पे बेच नहीं सकते। आप अगर सोच रहे हो ना आपको 100% प्रॉफिट दिख रहा है आप 100% बुक कर सकते हो, तब आप मार्केट से कभी नहीं कमा पाओगे। मेरा जब 100% प्रॉफिट रहता है ना मेरे को पता है मैं 80% तो ले सकता हूँ, मैं उसके हिसाब से टेलिंग करता हूँ, मैं 80% तो ले लूंगा, लेकिन मैं कभी 100% नहीं ले सकता हूँ मार्केट से। आप अगर वो सोच के कर रहे हो तो मार्केट में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर सोच रहे हो मार्केट आप है ये है मेरा लॉस हो जाएगा, तब मैं बोलूंगा आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है मार्केट आप कभी आपसे 10% से ज्यादा नहीं ले सकते, कभी वो वर्स्ट कंडीशन में वर्स्ट केस में 10% लेस मिलता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। 10% आप अगर रिस्क नहीं ले सकते तो मार्केट में नहीं आना। जल्दी चलो लेकिन दादा डिफाइंस कभी नीचे जा रहा है कुछ 2 महीना से, कौन सा डिफाइंस जो है वो तो है दादा उनका भाई कितना किया भाई वो 2 महीने में ना अप्रैल मई जून वो सब टाइम पे इवन जो ये जो जनवरी फरवरी तक बाई किया ना लाखों करोड़ों का बाई किया, उसके सामने 20-30 हजार का वो प्रॉफिट नहीं बुक करेगा। हाँ दैट इज दैट दिस आई एग्री विद यू, क्योंकि उन लोग माइनस 66,000 सेल कर रहे हैं, वो मेरे को पूछ के नहीं सेल कर रहे, ठीक है जो और ना मैं उसको पूछा जे क्यों सेल कर रहे हो, मेरे को तो जब तक अप ट्रेंड में रहेगा मैं उतना सोचने जाऊंगा तो मैं मार्केट में कभी कमा नहीं सकता हूँ सर। मार्केट में हमेशा आप देखने जाओगे कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट रहेगा ही, आप अगर वो नेगेटिव पॉइंट्स लेके बैठ जाओगे ना मैं से पॉजिटिव पॉइंट्स देखता हूँ, ठीक है मेरे को पॉजिटिव पॉइंट्स ये है नेक्स्ट 5 साल में मार्केट ऊपर जाएगा और मैं उसके हिसाब से प्लान कर रहा हूँ मार्केट अगर वो जाएगा तो मैं कितना कमा सकता हूँ। मैं अगर नेगेटिव पॉइंट्स पकड़ के बैठे रहूंगा ना मैं कमा नहीं सकता, मेरे को पता है मार्केट नीचे आएगा तो मेरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो मेरे को बचा देगा। मेरा सिस्टम क्या है, ये जो 20% जो क्या रिसेंट एंट्री किया उसमें मैंने एग्जिट कर जाऊंगा, और जो जिसमें 70-80% 50% के ऊपर प्रॉफिट है उसमें मेरा कैपिटल निकल जाएगा, तो मेरा तो 30% 40-50% कैपिटल लेके बैठा रहूंगा, मेरे को डरने का क्या बात है, कोई डरने की बात नहीं है ना। तो मतलब एज पर यू ठीक है, ये तो ग्रांटेड कोई नहीं बोल सकता है, बट ठीक है सिंस यू आर इनटू द मार्केट और आप देखते रहते हैं और ठीक है हम लोग भी देखते रहते हैं, बट स्टिल यू आर एन एक्सपर्ट ऑन एन अवर वर्क, यू थिंक मार्केट इज गोइंग टू, एक्सपर्ट नहीं है मैं, एक लर्नर हूं, मैं हमेशा देखते रहता हूं, अभी भी मेरा जो लॉस होता है मैं एनालिसिस करते रहता हूं। नहीं नहीं ठीक है सर, दैट इज अ दिस मार्केट इज लाइक दैट, इसमें तो कोई ये नहीं है, बट सिंस यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, यस ओके मोर नॉलेज देन अस, ये तो छुपाने वाली बात नहीं है, यू थिंक मार्केट इज गोइंग टू मूव हायर फ्रॉम दिस लेवल, यस
ओके सर ओके फ्रॉम दिस लेवल इस लेवल से जाएगा या इधर से करेक्शन होकर जाएगा मेरे को पता नहीं है ठीक है लेकिन जो बॉर्डर मार्केट मेरे को दिख रहा है हाँ वो मेरे को नेक्स्ट 5-6 साल में मेरे को निफ्टी 50,000 दिखता है सर 50,000 इज अराउंड डबल डबल फ्रॉम हियर क्योंकि उसके लिए सर आप हंसोगे लेकिन किसको पता था मैंने जब 12,000 पे ना 15,000 का भी टारगेट दिया था लोग हंसा था ऐसा ही मेरे ऊपर लेकिन मैं जब 15,000 का टारगेट दिया था 2 महीने में आ गया था हाँ लेकिन आपका एक वीडियो भी है विच यू हैव टोल्ड 18,000 हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं जाएगा लेकिन उसके पहले करेक्शन हो रहा है तो 10% को करेक्शन नहीं बोलते सर 10-15% को देखो मार्केट आप अगर बोलोगे जे हाँ आपने बोल दिया मतलब हो गया ऐसा नहीं होता है सर मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ मैं भगवान नहीं हूँ अगर मेरे को 100% टाइम पे मेरे को जो इंडिकेट जो कर रहे हैं मार्केट ठीक है मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ इधर ही अभी भी ठीक है लॉजिकली मैं आपको बोल सकता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसा ही फाका नहीं मतलब ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ ठीक है आपको काउंटर करना है मजाक करना है तो करो लेकिन देखो मैं यही बिलीव लेके बैठा हूँ तो उसके लिए मैं कमा रहा हूँ मार्केट से रॉन्ग होगा तो मार्केट मेरे से ले नहीं पाएगा इतना तो गारंटेड है हाँ 10% मेरा ले लेगा मैं जितना कमाया अभी उससे 10% ले सकता है लेकिन मेरा पूरा प्रॉफिट ले नहीं सकता है मार्केट मैं लास्ट 3 महीने में मैंने दिखा दिया 27 लाख कमाया उससे तो हाँ 4-5 लाख लेगा क्या है मेरा प्रॉब्लम नहीं है कोई 4-5 लाख लेके जाने तो मार्केट ने तो दिया मेरे को तो दादा यहाँ से अगर ट्रिपल का बात छोड़िए अगर यहाँ से 5% भी अगर बढ़ता है दो चीज आपसे मैं पूछ रहा हूँ ओके जस्ट लेट मी फिनिश माय क्वेश्चन फर्स्ट एक मिनट मेरे को बोलने दो सर देखो जो सेंसेक्स आपको इस जगह पे जो ऊपर गया था ठीक है 2003 से 2000 इस जगह पे कौन सा है 2003 से ये कितने जगह पे था 3500 ओके नहीं 3000 ओके 3000 से 21,000 आया था कितना टाइम से कितना टाइम से बोलो सर 7 टाइम्स ये 3000 है और 21,000 तो इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं था ये देखो इस जगह पे आपको टॉप था 6300 बॉटम कितना था 4100 मतलब आपको ऑलमोस्ट 30% करेक्शन है तो इस जगह पे भी आपको ये छोटा दिख रहा है लेकिन इस जगह पे भी आप देखोगे 7000 से लेके करेक्शन कितना है 5900 तो कितना हुआ ऑलमोस्ट 15% करेक्शन इस जगह पे कितना बड़ा करेक्शन है 12700 से लेके 8600 मतलब कितना परसेंट हुआ अनदर 25% करेक्शन इस जगह पे भी करेक्शन है इस जगह पे भी एक नीचे तो आया था 10-15% तो बुल मार्केट मतलब ये नहीं जो उसमें अंदर करेक्शन नहीं होगा ये बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ देखो मार्केट अभी इसमें मैंने आपको दिखा देता हूँ देखो मार्केट साइकिल कोई भी स्टॉक में देख लो कोई भी बड़ा स्टॉक में देख लो मार्केट साइकिल होता है हमेशा देखो इस जगह पे मार्केट कैसे चला था मार्केट अगर आप देखोगे 800 से लेके इस जगह पे कितना आया था 4800 के आसपास तो मतलब 6 टाइम चला एक मिनट आप लोग साइड में बात मत कीजिए मैं तो क्लास बंद कर दूंगा तब आप अगर म्यूट पूरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है सर चलो आप इस जगह पे अब इस जगह पे सेंसेक्स कितना दिख रहा था उसके बाद 92 से 94 ये 94 का हाई कितना है 6400
तो इधर 4,500 से 6,400 मतलब कितना 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स तो उसके बाद जो डिप दिया देखो कहां पे आया 4,200 ठीक है तो उसके बाद देखो इस जगह पे एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन के अंदर वो बार बार टच कर रहा है ना तो मतलब कि कंसोलिडेशन कर रहा था ये 10 साल एम आई राइट 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 एब्सोल्युटली कंसोलिडेशन जोन को जब तोड़ा तब ये जो बॉटम है एग्जैक्ट जो बॉटम है उसके पहले का वो बॉटम से कितना टाइम्स गया 7 टाइम्स 6.5 टाइम्स अगेन ना 7 टाइम्स यस सर 3000 से 21000 तो अभी देखो अभी फिर से देखो आप अगर इस जगह पे देखोगे कितना 21500 और इस जगह पे हाई कितना है 42500 तो मतलब आपको 12 साल में कितना रिटर्न दिया मार्केट डबल हो गया आपको 12 साल में फिक्स डिपोजिट इससे ज्यादा रिटर्न देता है 2008 में फिक्स डिपोजिट में तब 8 से 9 to 10% मिलता था फिक्स डिपोजिट में मिलता था ना राइट तो मतलब 7 इयर्स में आपको डबल होता था अभी चलो अभी 12-13 साल हो गया लेकिन सोचो 2008 में आप फिक्स डिपोजिट किया आपको 2015 में तो डबल हो गया आप 2015 में फिर से किया 2020 में वो तो फिर से मतलब 0.4-0.5 तो देता था ना उसके ऊपर तो मतलब आपको 3 टाइम्स तो हो जाता था पैसा लेकिन मार्केट में आप अगर ये डबल देख रहे हो ये तो इन्फ्लेशन के हिसाब से कुछ नहीं है हर साल अगर आप अगर 4-5% इन्फ्लेशन पकड़ लो तब भी 12-13 साल में कितना होता है कोई भी चीज डबल से ज्यादा होता है ना ये क्या है नॉर्मल इन्फ्लेशन जो चल रहा है वही है देखो इस जगह पे भी वही हुआ था 12 साल में कोई रिटर्न नहीं है उसको ब्रेक किया इस जगह पे देखो इस जगह पे ब्रेकिंग के टाइम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इस जगह पे जो कंसोलिडेशन है ये कहां से भी पकड़ो इधर से पकड़ो तो ये ट्रेंड लाइन इधर ब्रेक किया चलो मैं मंथली चार्ट पे भी जाता हूं क्योंकि वो वीकली क्वार्टरली था मैं इधर से भी पकड़ो तब भी देखो ये सारे टच करके जो इधर आ रहा है कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया मैं इधर से भी पकड़ो सारे टच करके इधर के ब्रेक किया वो सिर्फ ब्रेक नहीं किया उसके बाद भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का मेरे को कंफर्मेशन मिला और दूसरे बात इस जगह पे इतना वॉल्यूम भी आया ब्रेक करने के टाइम और दूसरे बात है देखो ये ब्रेकेज अगर ब्रेक कोई भी ब्रेकआउट फेक है या नहीं कैसे पता चलता है वो होल्ड कर रही है या नहीं देखो निफ्टी में इतना स्ट्रॉन्ग है जनरली इतना बड़ा जब चलता है ना वो जनरली इतना ऊपर से जब करेक्शन चालू होता है तुरंत ऐसा आ जाता है वो रिटेस्ट करने इस जगह पे आ जाता था अगर स्टैंड नहीं होता था एफआईआई सेल कर रहे सब कुछ कर रहे इतना कुछ करने के बाद भी मार्केट नीचे आया इनफैक्ट इस जगह पे और एक ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देखे भी अगर इसको ऊपर नहीं जाना होता तो ये ब्रेकआउट को होल्ड नहीं करता था होल्ड कर रहे हैं ब्रेकआउट को इस जगह पे जो ब्रेकआउट एफआईआई तो 2 महीने से कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं तब भी क्यों होल्ड कर रहे हैं क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है ज्यादा अभी रिटेल पार्टिसिपेशन रिटेल कुछ भी कर ले रिटेल मार्केट को ऊपर नहीं लेकर जा सकते सर बिना स्मार्ट मनी का मार्केट ऊपर नहीं जाता है सर और रिटेल निफ्टी 50 स्टॉक को रिटेल नहीं खरीदता है ये तो इतना 50 आदमी इधर है कितना आदमी का पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 का स्टॉक है अब बोल दो चलो आप रिटेल बोल लो रिटेल का पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 का स्टॉक कितना है तो बोला आपका कितना स्टॉक है नहीं ठीक है तो वही मैं बोल रहा था कि दादा कोई आदमी मेरे को बोल रहे हैं जहाँ निफ्टी 50 का स्टॉक ही सिर्फ खरीदते हैं रिटेल का कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं पता है रिटेल भंगा स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हैं हाँ स्मॉल कैप में मैक्सिमम स्मॉल कैप तो रिटेल पार्टिसिपेशन निफ्टी के ऊपर नहीं लेकर जा सकते चलो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ मैं रॉन्ग हूँ तो क्या है मेरे पास इंडिकेशन है मेरे को कोई महीने में अगर एक कैंडल के नीचे क्लोज हुआ तो मैं बोलूंगा हाँ इस जगह पे लेकिन मंथली बेस पे इस कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए तब मैं बोलूंगा चलो नीचे जा सकते हैं लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोज हो नहीं भगवान नहीं हूँ मैं किसी का सेलिंग देख के डर नहीं जाता हूँ या तो किसी का बाइंग देख के मैं पॉजिटिव नहीं हो जाता हूँ मेरे पास मेरा एंट्री एग्जिट के लिए मेरा चेकलिस्ट है ठीक है तो वो मेरा चेकलिस्ट ये है
मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तब मैं सोचूंगा एग्जिट करने का. ये जो मंथली बेसिस पे दो महीने का क्लोजिंग है इस जगह से हमेशा बाइंग आ रहा है, ये लेवल जब तक सेफ कर रहे मार्केट तब तक मैंने एग्जिट नहीं करूंगा. व्हाट इज द लेवल सर? वो जब देखना पड़ेगा मेरे को. ये लेवल है 51,200 के आसपास. क्योंकि इस जगह से मेरा बाइंग आ रहा है. देखो ये लेवल को कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है और इस जगह पे एक ब्रेकआउट दिया है उसने. देखो बार बार इस जगह से नीचे आ रहा है मतलब क्या था? कोई तो कन्विंस था जो मतलब मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकते, उसलिए वो लोग जैसे इस लेवल पे जा रहा था उस लेवल पे सेल कर रहा था जैसे जा रहा था. लेकिन कोई तो कन्विंस है ना इस जगह से. देखो इस जगह पे क्या था, टैग ऑफ वॉर. जैसे कोई आदमी सोच रहा है ऊपर जाएगा, कोई पॉइंट सोच रहा है नीचे जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसने ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के ऊपर देखो होल्ड भी कर रहा है. जैसे मेरे को मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मांगोगे, मेरे को लगता है शायद अभी कोई एक डायरेक्शन पकड़ेगा. कौन सा डायरेक्शन पकड़ेगा मैं तो 100% नहीं बोल सकता हूँ. मेरे को जो लगता है शायद ऊपर का डायरेक्शन पकड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ये रेंज जो है बहुत नैरो हो गया. और दूसरी बात मैं ऊपर का क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट का जो हेवी वेट्स है रिलायंस देखोगे, HDFC बोलोगे, TCS बोलोगे, सब इनफ करेक्शन हो चुका है. रिलायंस सपोर्ट पे है और HDFC में भी मेरे को एक थोड़ा सा बुलिश आइवर्जेंस जैसे दिख रहा है. तो उसके बाद TCS में भी थोड़ा बहुत मतलब नीचे तो आया है. तो सारे जो है, अब दूसरे बात आप लोग शायद हंसोगे, मैंने एक स्टॉक देखा जिसको फॉलो करता हूँ ना, मार्केट का एकदम व्यू मिल जाता है हमेशा, वो स्टॉक है SBI. हाँ, राइट. कोई भी देखा मैंने देखा जब देखो 2015 में करेक्शन हुआ था, उस टाइम भी 30% करेक्शन हुआ था ना 2015 में. हाँ, तो उस टाइम में SBI जब 150 से बैक किया ना, मार्केट भी उसके बाद से बैक कर गया. इस बार भी करेक्शन में मैं देखना SBI मेरा स्टूडेंट ग्रुप पे मैंने दिया था 150 में मैं ले रहा हूँ ऐसा करके दिया था, क्योंकि 150 में उसका मल्टीया सपोर्ट. तो 150 से जब बैक किया ना, मेरे को लग रहा था इस बार मार्केट बैक करेगा. मार्केट इतना नेगेटिव है, इतना स्टॉक देखा. हाँ, SBI बैक किया तो मार्केट भी बैक कर गया. PNB का देखो चार्ट, प्लीज बात मत करो. आप लोगों इतना इंटरेस्टिंग चीज मार्केट में क्या होता है, खत्म नहीं होता इंटरेस्टिंग. मैं तो पूरा दिन देखो SBI का क्या है, अभी इस जगह पे तो ब्रेकआउट दिया था तब मार्केट बुलिश दिख रहा था, लेकिन मार्केट बुलिश दिखने के बाद भी एक दो महीना तक कंसोलिडेशन कर रहे हैं. देखो SBI भी कंसोलिडेशन कर रहे हैं. देखो इस जगह पे SBI एक ब्रेकआउट जो दो महीने का कंसोलिडेशन कर रहा था उसका एक ब्रेकआउट देके रिट्रेस किया. देखो SBI नीचे आया, मार्केट भी आया, तो मेरे को लगता है ये अच्छा ब्रेकआउट दिया. इधर से SBI शायद ऊपर जाएगा. देखो इस जगह पे जो मल्टीयर ब्रेकआउट दिया था उसका सेकंड ब्रेकआउट दे चुका है, मतलब SBI का जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करने वाला है. तो ये सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो मार्केट भी, मैं देखा मार्केट में SBI को बहुत फॉलो करते हैं, पता नहीं बाकी SBI ऊपर जाता है तो मार्केट भी ऊपर जाता है. वो भी इसका मतलब परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं है वोल्टेज, लेकिन SBI को मैं फॉलो करता हूं. मेरा मतलब व्यू है, कोई रूल नहीं है. नहीं, यू आर राइट, यू आर राइट दादा. ये मैं भी देखता हूं सर. SBI थोड़ा सा उसके मार्केट से उतना मतलब एग्रेसिवली एग्जिट नहीं है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, डायरेक्शन कोई भी पकड़ सकता है. तो मैं उसले सेफ बैठ तो बैठा हूँ. देखो मैं 20-25% कैश लेके बैठा हूँ हाथ में, सिंपल बात है. मार्केट ऊपर है, मेरे को भी डर लग रहा है, तो मैं 20-25, लेकिन मेरा 75% है मार्केट में. मेरा बहुत नीचे जाएगा तो 20-25% कैश से मैं उसको एवरेज करके ऊपर आ जाऊंगा, मेरा प्रॉफिट तो मैं बचा लूंगा. अब मैं कब एंट्री करूंगा, मार्केट अगर 15,000-16,000 के ऊपर स्टेबल हो गया, 16,000 के ऊपर स्टेबिलिटी दिया, तो मैं फिर से वो 25% फिर से एंट्री कर जाऊंगा. तो ये मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा क्लियर रहता है. देखो मैं शेयर किया इसलिए, मैं देखो ऐसा मैं कमा रहा हूँ इसमें तो आप लोगों को डाउट है नहीं है ना?
क्योंकि मैं मेरा पोर्टफोलियो दिखा दिया आप लोगों को, नहीं जो नहीं देखा यूट्यूब में अवेलेबल है मेरा पीएनएल रिपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग, मैंने उसमें शेयर कर दिया। दादा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके जैसे पोर्टफोलियो तो खैर मैं आपको ट्रैक करता रहता हूँ, आपके जितने वीडियोस आते हैं मैं देखता रहता हूँ, बट आप कभी उसे पोर्टफोलियो शेयर नहीं करते अपना पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्यों वो बहुत पर्सनल। नहीं नहीं आई एम नॉट, नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो शेयर करूंगा सोचो मेरा 100% में कंफर्म तो नहीं रहता हूं चलेगा, मैं आज शेयर कर दिया, मैं मेरा स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूं जैसे लास्ट बैच में किया था, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को देखो सबसे बड़ा बात है मेरा क्या है, मैक्सिमम लोगों को मेरा मेथड पता नहीं है, तो मेरा जो मैं जो कॉन्विक्शन के हिसाब से जो रिस्क के हिसाब से लिया है मैं पीएनएल रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ना, और क्या चाहिए आपको, मैं पीएनएल रिपोर्ट तो दिखाया ना। नहीं जैसे मैं मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपने मान लिया किसी स्टॉक में एंटर किया द राइट प्राइस, वो आपके जैसे पता चलता है कि वो 2-3 दिन मान लिया किसी ने देखा नहीं तो पता चलता है कि वो 20-30% ऊपर हो गया, तो एक बार बंदा डरता है कि यार मैं 30% हाई पे मतलब देखो मैं एंट्री करूं, टिप्स कर नहीं हूं ये, मैंने एंट्री करने के टाइम किसी को टिप्स दे दूं ठीक है मैं, हां आपको मेरा जो स्टूडेंट लोग है उसको पता चलता है मैं कोई स्टॉक अगर बता रहा हूं कोई स्टॉक का एनालिसिस दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं, आपको ये चीज लर्निंग करना पड़ेगा सर, बिना लर्निंग का मैं आपको 10 स्टॉक भी दे दूं ना आप कमा नहीं सकते, मैं बोला ना आप 10-15% पे ही निकल जाओगे उससे, आपको कॉन्विक्शन नहीं आएगा सर बिना लर्निंग का। आपको कोई भी बिजनेस से आप अगर इनकम करना चाहते हो आपको कोई कुछ तो इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप अगर मनी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ तो एक चीज तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, दुनिया में सर इजी मनी नाम का कोई चीज नहीं होता है ठीक है, और मैक्सिमम लोग बोलता है बताता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरे को देखो मैं एक आई आई टी एन कितना कमाता है आपको पता है जॉब से, किस लेवल का सैलरी स्ट्रक्चर में एक आई आई टी एन काम करता है, और जो लेवल का सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसका जॉब में उतना प्रेशर होता है, तो मैं मैक्सिमम मेरा सैलरी बहुत ज्यादा है, आप लोग मैक्सिमम लोग हैं बहुत सारे लोगों को है मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सैलरी लेवल है एवरेज इंडियन उतना नहीं कमाता है ठीक है, 2 लाख के ऊपर मेरा सैलरी लेवल है, इनफैक्ट मेरा अभी रिसेंटली प्रमोशन मिला जस्ट कल ही मेरा स्टूडेंट लोगों के साथ शेयर किया तो मेरे को परसों प्रमोशन मिला, तो उसमें भी मेरे को और भी उसके ऊपर 30% के ऊपर हाइक हुआ, तो मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं मिलता था प्रमोशन या तो हाइक, सबसे बड़ा बात है, और उसके बाद भी मैं इतना देर तक क्योंकि मेरा ये पैशन है, मैं रात को 8 बजे घर आके 8 से 1 बजे तक मैं करते रहता हूँ ठीक है, वीडियो करता हूँ, लोग बोलते हैं भाई जो पैसा कमा रहा हूँ ना इतना इजीली नहीं आता है सर, मेरा जो हार्डवर्क है ना वो किसी को दिखता नहीं है, मैं इसके पीछे हर रोज देता हूँ क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ वर्ल्ड में इजी मनी नाम का चीज कुछ नहीं होता है। Agreed, दादा। तो इजी मनी नाम का चीज नहीं होता है, आपको जो लोग चोरी करके कमा रहे हैं ना उसको भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है उसको, उसके बाद जैसे कोई लोग एटीएम फ्रॉड या तो कुछ भी कर रहे हैं देखना आते रहते हैं, उन लोगों को कितना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा और कितना टेंशन है उसके बाद, आप सोचो उस लेवल का टेंशन में तो हम लोग कभी काम ही नहीं किया, हमेशा डर लग रहा था पुलिस पकड़ के लेगा पीटेगा ले जाके एक बदनामी हो जाएगा सब कुछ का रहता है ना, उस लेवल का टेंशन, तो मतलब दुनिया में एक एक्सेप्ट लॉटरी इजी मनी नाम का कोई चीज नहीं रहता है, आप अगर मार्केट से कमाना है आपको सीखना ही पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको एफोर्ट देना पड़ेगा, बिना एफोर्ट का अगर कोई सोच रहे कमा लेगा कोई नहीं कमा सकते, आई एम सॉरी मतलब आपको बिना एफोर्ट का अगर बिना सीख के बिना एफोर्ट का आप कमा रहे हो नहीं कर सकते, आप सोच रहे हो ना मैं पोर्टफोलियो शेयर कर दूं, मैं पोर्टफोलियो शेयर करूंगा तब भी आप कमा नहीं सकते क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है हर रोज पोर्टफोलियो शेयर करने का, मैं वंस अपॉन अ टाइम दे दिया उसके बाद मेरे को थोड़ा खराब लगा उसमें से 10 स्टॉक एग्जिट कर गया, आप एग्जिट नहीं करोगे, आप ये सोचते रह जाओगे ये तो विद्युत सर ने लेकर रखा है तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, शायद 2 वीक्स में मेरा 10 स्टॉक उससे निकल जाएगा, आप क्या करोगे तब, मेरे पास हमेशा उतना टाइम नहीं रहेगा, मैं अपडेट देते रहूंगा इसमें मैं इसे एग्जिट कर गया, आप समझो पोर्टफोलियो दिखाने का क्या प्रॉब्लम है, लोग लॉस करेगा, मैं पोर्टफोलियो दिखाते रहूंगा ना लोग लॉस करेगा क्योंकि मैं एग्जिट के टाइम पे नहीं बोलूंगा उसको, ऐसा नहीं है मेरा इंटेंशन नहीं है बोलने का लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है उतना, उससे अच्छा है ना आप खुद सीख लो
आप मेरा मेथड, मेरा तो फीस कितना है, ओनली 5000 है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से सीख लो आप तो। ये तो डाउट नहीं है जी आपको, जो मैं कमा नहीं रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ अच्छा खासा, मेरा PNL अवेलेबल है सब जगह पे, आप उससे देखो मैं कितना कमा रहा हूँ। तो आपको अगर कॉन्विंस है तो मेरे से सीख लो, और मेरा फीस भी ओनली 5000 है, मैं दूसरे की तरह 40,000-50,000 लेता नहीं हूँ। मैक्सिमम लोग क्लास करने के बाद बोलता है जो सीखा ये 5000 इसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है मैं किसी को बोलूंगा नहीं। देखो मैं सिखा सकता हूँ फ्री में, दूसरी बात है मैं फ्री में सिखाऊंगा ना, फ्री का वैल्यू नहीं होता है। आज कितना आदमी, 100 आदमी भी ज्वाइन नहीं किया फ्री में, तो मैं इतना बड़ा चीज सिखाया जो मनी मैनेजमेंट, जो 40-50% होता है आपका जो भी, तो लोग आया नहीं है। मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स को ना मैं फ्रीली पूरा कोर्स सिखाया, किसी ने कमा नहीं पाया आज तक। ठीक है, मैं क्लास का जो वीडियो होता है वो भी शेयर किया, उससे सीखा नहीं किसी ने। बहुत सारे मेरा रिलेटिव, मेरा फ्रेंड से शेयर किया मेरा क्लास का वीडियो, किसी ने नहीं सीखा। आप जब तक कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, पैसा नहीं लगाओगे, आपको एफर्ट आएगा नहीं अंदर से आपको। जब तो मैं भी पैसा देकर सीख रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है उसमें, मैं अभी भी सीखता हूँ, अभी भी अटेंड करता हूँ क्लास, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को ये पता है मैं अगर इसमें एंट्री किया, मतलब कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को पता है उससे 10 गुना तो मैं मार्केट से कमा लूंगा, कोई चीज के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये होता है मेंटेलिटी। और दूसरा लोगों को मेंटेलिटी क्या होता है, वो सीखने के लिए 5000 खर्च नहीं करे, लेकिन बहुत सारे मैसेज आता है मेरे पास, मेल आता है, जैसे सर मैंने 2 लाख का लॉस कर दिया, 3 लाख लॉस कर दिया। अरे भाई 3 लाख क्यों लॉस किया, मतलब तुम्हारा मनी मैनेजमेंट पकड़ नहीं है, तुमको पता नहीं है कौन सा स्टॉक में एंट्री करना है नहीं करना है, एंट्री का चेकलिस्ट पता नहीं है आपको, आप एंट्री क्यों किया उसमें, आपको उतना तो पता होना चाहिए ना कोई स्टॉक में एंट्री कर रहे हो क्यों, इसे मोमेंटम देख के एंट्री कर गया तो आपको तो लॉस ही होगा ना, ये होता है मार्केट का। तो ठीक है, मतलब बहुत शायद आज शेयर कर लिया, ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, और तो होप आप लोग इससे सीख पाया, तो मैंने इधर ही क्लोज करूंगा। तो इसमें और कुछ है सर? दादा आप जॉब भी करते हो साथ में? हाँ कर रहा हूँ ना, मैं बहुत जल्दी एक्चुअली एग्जिट करूंगा, मैं लास्ट 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ छोड़ने का, लेकिन मेरे को इधर छोड़ता नहीं है अभी। इनफैक्ट देखो मैं जॉब करता हूँ तब भी क्या है, मेरे को सबसे लास्ट 1 साल से मैं जॉब से ज्यादा कमा रहा हूँ इधर से। ठीक है, उससे पहले जॉब से ज्यादा नहीं आता था, तो लास्ट उसलिए 1 साल पहले मैंने डिसीजन लिया क्विट करने का। मैंने जैसे उसलिए अहमदाबाद का फ्लैट है वो भी मैंने ऑलरेडी सेल आउट कर चुका हूँ, अहमदाबाद का लगभग मेरा जो भी है, तो मैं बहुत जल्दी कलकत्ता में मूव कर जाऊंगा। लेकिन इस जगह पे भी देखो, इस जगह पे मैंने लास्ट 10 साल से है, मेरे को छोड़ नहीं रहा है, और मेरे को कहाँ पे उतना रिलेशन खराब करके भी नहीं जाना है, धीरे धीरे चला जाएंगे। मेरा प्लान है इस साल मार्च में क्विट करने के लिए, शायद 1-2 महीना इधर उधर एक्सटेंड हो सकता है, मेरे को उतना जल्दी क्या। देखो मैंने ट्रेडिंग बहुत रियरली करता हूँ, मतलब ट्रेडिशनल में करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग कर लेता हूँ बीच बीच में, वो भी स्ट्रेटेजी बेस होता है, वो मैंने किसी से शेयर नहीं करता हूँ। मेरे से एक बार ऑप्शन सेलिंग में मैं कितना कमाता हूँ एक बार वो भी वीडियो शेयर किया था, वो भी 10-15% में कमा लेता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में वो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी होता है, मैं उसके किसी को शेयर नहीं करता हूँ, और सबको वो रिस्क नहीं ले सकता है। जैसे इस महीने में भी मेरे को जो मतलब रिलायंस मेरे को 2300 के ऊपर जाएगा नहीं, या तो 2000 के नीचे नहीं जाएगा, तो उसके हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी बना लिया था। तो मैंने एक एक इसमें कितना मेरा मैक्सिमम मतलब कितना 12,000 उसके हिसाब से मैक्सिमम आ रहा था, तो मैंने जो भी सेटअप बनाया था उसको 10 ले लिया, तो मेरे को 1,20,000 आ गया उसमें। तो ठीक है, तो ये होता है। मैं क्या कह रहा था उसमें, जैसे रिलायंस का 2300 का कॉल खरीद लिया था, 3 लॉट, और उसके सामने 2300 का कॉल शॉर्ट किया था 1 लॉट, 2280 का कॉल शॉर्ट किया था, और 2260 का कॉल शॉर्ट किया था। और उसके सामने मैं क्यों किया, उसके सामने पुट मैं कॉल क्यों खरीदा, क्योंकि मेरे रिस्क को मैं अनलिमिटेड नहीं रहना चाहता था, तो उसलिए मैंने खरीद दिया था। और इस जगह पे मैं क्या कहता, मेरे को लगता था 2000 के नीचे नहीं जाएगा, तब भी मैं 1900 पे किया था, तो 1900 शायद 40 का मैंने पुट खरीद लिया था 3 लॉट, उसके सामने 1960 1900 1960 1980
2000 इसका मैंने पुट शॉर्ट कर दिया था। तो ये जो मेरे को एक लंबा रेंज का बना था पूरा महीने का, मेरे को बिलीव था ये 2000 के नीचे रिलायंस नहीं आएगा या तो 2300 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा तब भी मेरा रिस्क लिमिटेड था क्योंकि मैंने उसका ऑपोजिट भी खरीद लिया था। तो अभी क्या है, एंड ऑफ द मंथ एक्सपायरी पे सारे जीरो हो गया और इसके लिए मेरा थोड़ा टोटल जो मतलब मेरा उसको क्या कहते हैं मार्जिन था 1,15,000 के आसपास है ऐसा था। तो उसके हिसाब से ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये 10 खरीद लिया था, तो इसके हिसाब से मेरे को 10,000 करके आ गया था। मैंने एक्सपायरी के एक दिन पहले मैंने देखा ऑलमोस्ट सभी जीरो जीरो, मतलब किसी में 20 पैसा किसी में 25 पैसा, तो मैंने एक्सपायरी के एक दिन पहले मैंने वो बुक कर लिया था। तो उसके हिसाब से वो सब तो लंबा स्ट्रेटेजी है, वो सब में मैंने वो सब में टेंशन भी नहीं है, पूरा महीने के लिए मैं स्ट्रेटेजी कर लिया, मेरे को पता है मेरा इतना परसेंट मेरा रॉन्ग जाएगा तो इतना रिस्क है और राइट जाएगा तो इसके अंदर रहेगा तो इतना ही रिस्क है मेरे को। तो और रॉन्ग जाएगा उसके लिए भी एडजस्टमेंट होता है, ऐसा नहीं जो रॉन्ग जाएगा मतलब आप लॉस कर जाएगा, उसके लिए भी अलग अलग एडजस्टमेंट रहता है, उसके लिए मेरा फंड हमेशा रहता है अलग से। तो वो सब चीज में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो मेरे को आराम से आता है, मैं जॉब करके भी मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैंने ज्यादा से ज्यादा कितना कमा रहा हूँ, देखो मेरा ट्यूशन से इनकम होता है, पोर्टफोलियो से इनकम होता है, सब मिला के तो 3-4 लाख तो हो ही जाता है। लेकिन ठीक है तब भी मतलब और भी ज्यादा बढ़ाना है तो मेरे को जॉब छोड़ना है, मेरे को उसके लिए मेरे को जॉब छोड़ना है। तो देखते हैं अभी जब तक ये ऐसा, तो इधर भी मेरे को ये जो करियर है मैं एक्चुअली क्यों चुन, देखो मैं एक हर आदमी IIT में नहीं जाता है, और तो IIT से जो करियर बना है वो भी मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा, तो उसके लिए भी एक इमोशन है, वो काम भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है ये है। और अभी ये सब करके भी मैं जब मार्केट से अगर कमा सकता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ दादा आपका जब ये स्पेशलाइजेशन है मेरा यू कैन ग्रो मच बेटर देन, ठीक है मतलब एक जगह तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हाँ करेंगे ना, मैं अभी एक्चुअली वही पॉइंट आ गया सर, और मैं खींच नहीं पा रहा हूँ दोनों, इतना दिन तो खींच लिया क्योंकि ये भी इतना बड़ा हो गया ना और खींच नहीं पा रहा हूँ। हाँ तो मतलब आफ्टर यू इन केस व्हेन यू गिव अप द जॉब देन यू विल कम बैक टू कोलकाता? यस आई विल कम बैक टू कोलकाता, बिकॉज़ क्या होता है वो मेरा मदरलैंड है, उसके लिए हमेशा एक तो रहता ही कहाँ पे सर, कलकत्ता में कहाँ पे? कलकत्ता में बैरकपुर, आप जानते हो? हाँ हाँ सर, मैं शोधपुर का ही लड़का हूँ। अच्छा तो मेरा काकीनाडा में है। अच्छा काकीनाडा में, अच्छा। सर अभी अहमदाबाद में कहाँ पे हो? मैं अहमदाबाद में चांदखेड़ा रहता हूँ। अच्छा ओके ओके, तो ठीक है चलिए अभी बहुत टाइम हो गया क्लोज करते हैं, अभी मेरे को भी बाहर जाना है। ठीक है ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अगर अच्छा लगा तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता देना कैसे लगा। श्योर 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 श्योर, विल डू इट। थैंक यू दादा फॉर अ वैल्यूएबल टाइम, फॉर अ वैल्यूएबल टाइम सर। लेकिन आप लोग सीख पाए ना कुछ कैसे? थैंक यू मिस्टर बाबू, थैंक यू वेरी मच वेरी मच। अगर क्लास करूंगा क्लास करूंगा, क्लास का लिंक भेजिए नेक्स्ट, एटलीस्ट आई एम गोइंग टू जॉइन। कुछ लिंक नहीं है, आप लोगों को अगर करना है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ ठीक है सर, आप एक बार नंबर शेयर कर दीजिएगा, तो एक बार बात भी हो जाएगी। कर चुका हूँ, मतलब कौन सा नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है तो ग्रुप पे ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने किया था, तो मैं इधर भी लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लो मेरा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है थैंक यू मिस्टर सो, 6 2 4 0 1 9 4 3 8 आपको जो भी मतलब वो है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है दादा, एक ऑप्शंस की बेसिक पे क्लास प्लान करो ना प्लीज। सर ऑप्शन ऐसा है ना समुंदर है, आप मैं बेसिक पे करूंगा और उसमें आप करने जाओगे ना आप लॉस करोगे, दूसरे बात मैं बिलीव करता हूँ ऑप्शन से कभी पैसा नहीं आता है। मैं उसलिए सिर्फ एक्सपायरी पे जीरो टू हीरो एक दो कर लेता हूँ, वो छोड़ के मैं ऑप्शन नहीं खरीदता हूँ। एक्सपायरी पे मैं क्यों करता हूँ, मेरे को लगता है एक्सपायरी के एंड पे ना वो ट्रेंडिंग होता है ना मार्केट, अगर 1-1.5 बजे के बाद वो बड़ा रिटर्न देता है। मैं उसलिए निफ्टी का देखना, इस दिन मैंने दिया था, कभी देता नहीं हूँ मैं, 2-3 रुपया में खरीदता हूँ और उसको लगभग 20-30 रुपया तो हो जाता है। नहीं दादा मैंने आपके पीछे क्लास अटेंड किया हुआ है, मैं आपके ग्रुप में हूँ, बस जस्ट वांटेड टू नो बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। कोई क्लास बेसिक में आपको देखो सर YouTube में बहुत मिल जाएगा, लेकिन
ये जो स्ट्रेटेजी वगैरह मैं करने जाऊंगा ना, और सबसे बड़ा बात है सर, ऑप्शन मैंने लास्ट एक साल से कर रहा हूँ। मैं कोई भी चीज ना किसी को शेयर करता हूँ जिसमें मैं कम से कम दो साल कर रहा हूँ, उसके बाद ही शेयर करना चाहता हूँ। उसके देखना मैं ऑप्शन से जो कमाता हूँ कभी मैं बहुत रियली शेयर करता हूँ। मैं एक बार से कमा कितना कमाना पॉसिबल है उसके मैंने शेयर कर दिया था एक बार पीएनएल ऑप्शन। हाँ, आप एक ही बार शेयर किया आपने। देखो ऑप्शन के ऊपर मेरा कोई प्लान नहीं है लोगों को, क्योंकि ऑप्शन बहुत रिस्की होता है और उसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए होता है सर, मिनिमम 10-15 लाख का फंड चाहिए होता है। ओके ओके ओके। क्योंकि आपका अगर रॉन्ग जा रहा है ना, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए सर। ओके ओके। और दूसरी बात है, आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छा तरह से जानना चाहिए। देखो प्राइस एक्शन मैं ग्रुप पे 2-4 दिन शेयर कर रहा था, आपने वो देखा ना, क्योंकि वो 2 दिन मेरे पास टाइम था तो देखा ना मैं कैसे अंडरस्टैंड करता हूँ। मैं कैंडल बाय कैंडल फॉलो करता हूँ, जब मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, ये कैंडल इस जगह पे स्टे कर रहा है, ये कैंडल नीचे आ रहा है, ये कैंडल ऐसा दिख रहा है तो ऐसा हो सकता है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना। और मैक्सिमम टाइम देखना मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा ही होता है, वैसा ही होता है ना वैसे। तो मैं देखना कैंडल बाय कैंडल में फॉलो करता हूँ। तो आपको मतलब प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, नहीं तो एडजस्टमेंट भी करना है कौन सा जगह, तो उसने पहले बेसिक सीखो सर, बेसिक के ऊपर आप 2 साल बिताओ सर। ओके सर। नहीं तो ऑप्शन में इतना ज्यादा झटका मरेगा ना सर आपको, आप उससे खड़ा नहीं हो पाओगे सर। आपको पूरा कैपिटल इरेज आउट कर देगा ऑप्शन, ऑप्शन ऐसा चीज होता है। ओके सर। ठीक है सर, चलो अभी क्लोज करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू दादा, टेक केयर, बाय। थैंक यू, टेक केयर।